सभी लोग क्लास में आ जाइए। शाबाश, बहुत बढ़िया सभी का। हाँ चलेगी चलेगी, चल रही है क्लास, चल रही है, आ जाइए सभी लोग क्लास में। शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अच्छा ये बताइए, सभी का वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास में स्वागत है। बताइए आवाज वगैरह एकदम क्लियर है ना, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताइए। आवाज तो क्लियर है ना? हाँ सभी को गुड इवनिंग, शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। शाबाश, बिल्कुल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा। हौसले भी तो जिद्दी हैं, है ना? तो चलिए अपने हौसलों को एक नई उड़ान देते हैं, फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ सभी को गुड इवनिंग और हैप्पी टीचर्स डे। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड सेम टू यू, क्योंकि आप लोग भी टीचर बनने ही जा रहे हैं और पता नहीं कब आपका वो रिजल्ट आ जाए आपके हाथ में और आप टीचर की श्रेणी में आप भी आ जाए। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग उपस्थित हो चुके हैं। तो अपनी हम दो लाइन बोलेंगे, अपनी ही वाली जो हमने खुद लिखी थी। आज का कारवां कल सफल होगा, बिन घबराए बस चलते रहना, पैर के छालों पर भी प्राउड फील होगा जब गले में मेडल और हाथ में सर्विस लेटर होगा। ठीक है तो चलिए अब अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं, फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। हाँ शाबाश, चलिए आ जाइए। तो मेडल और लेटर के लिए, सर्विस लेटर के लिए तैयार हो जाइए बिल्कुल से। ठीक है, हाँ आशीर्वाद, सभी को आशीर्वाद है सभी पर। ठीक है, हाँ चलिए। पूरी मेहनत हम भी अपनी तरफ से कर रहे हैं कि कैसे भी करके क्वेश्चंस आपके यही मिल जाएं, और आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं कि अच्छे से यही पढ़ पढ़ के आप लोग आगे एक श्रेणी में बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना? हाँ चलिए तो मेहनत आप लोग भी करिए। पूछा गया है, हेनरी मार्टिस किस कला आंदोलन से संबंधित है, ये बताइए। एक्सप्रेशनिज्म, इंप्रेशनिज्म। आज जो है ना आपकी वेस्टर्न आर्ट की थर्ड मैराथन है, और इस मैराथन में आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी पूरी। ठीक है, भगाएंगे आज कसके। ठीक है तो आज आपकी जो है ये खत्म हो जाएगी वेस्टर्न आर्ट। और फिर हाँ एक और बात, इसके बाद जो नेक्स्ट मैराथन होगी, ध्यान से सुन लीजिए बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता दें। इसके बाद जो नेक्स्ट मैराथन होने वाली है ना, उसको मत छोड़ना, बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि उसमें हम मुगल काल पढ़ाने वाले हैं। कौन सा? मुगल काल पढ़ाने वाले हैं। और आज तक आप लोगों ने मुगल काल इस तरह से नहीं पढ़ा होगा जिस तरह से हम आपको परसों, परसों होगी ना आज हमारी मैराथन है, तो कल बाज बैच चलेगा, परसों आपकी नेक्स्ट मैराथन होगी। तो परसों आपको बिल्कुल नहीं भूलना है जुड़ना, क्योंकि परसों वाली मैराथन जो है मुगल काल की, और मुगल काल में हम वो चीज पढ़ा देंगे, हर चीज बिल्कुल छोटे से छोटा, इतना सा नोक भी है ना, छोटी सी नोक भी है ना, तो वो भी आपको वहां पर याद हो जाएगी क्लास के चलते ही चलते। ठीक, तो सभी लोग क्लास को जरूर पढ़िएगा। हाँ 97% चार्ज कर लिया है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही चार्ज किए रहा करो अपनी क्लास के टाइम पे। चलिए, हेनरी मातिस किस कला आंदोलन से संबंधित है, तो सभी जानते हैं मातिस की बात आ रही है, फाविज्म हो जाएगा। ठीक चलो आगे बढ़ते हैं। मातिस किस कला आंदोलन से है, जंगलवाद से है, प्रभाववाद से है, उत्तर प्रभाववाद या यथार्थवाद, इसी को हिंदी में लिख दिया है, बताइए। मैम बीच में थोड़ा सा रेस्ट दे दीजिए, ठीक है 5 मिनट का रेस्ट दे देंगे, ठीक है पानी वानी पी लेना आप लोग बीच में, ठीक 1 घंटे के बाद देंगे। हाँ तो मातिस किस कला आंदोलन का कलाकार है, ये बताइए, बहुत बढ़िया, जंगलवाद हो जाएगा, फाविज्म। आगे, मातिस जो है ये किस कला आंदोलन के अग्रणी हैं, प्रभाववाद, भाववाद, अति यथार्थवाद, घनवाद, बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो क्या पढ़ा हमने, फाविज्म या फाववाद या जंगलवाद, बोल दीजिए वही चीज है। हरी पट्टी किसका चित्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब बनता है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। रेम्ब्रा, गोया, हेनरी मातिस, पिकासो, एक बार क्लास को सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक, ताकि बच्चे जुड़ सके। हाँ चौथे पे आ जाइए।
हरी पट्टी किसने बनाया? बहुत बढ़िया, हेनरी मातिस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, जॉय ऑफ लाइफ पेंटिंग है किसकी है बताइए? जॉय ऑफ लाइफ किसकी है? पीटर पोलाक की है, जैक्सन पोलाक की है, हेनरी मातिस, हेनरी मूर? जॉय ऑफ लाइफ पूछा गया है, किसकी है? शाबाश मेरे शेर, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी हो जाएगा, हेनरी मातिस की है। चलिए, मातिस का डांस चित्र जो है ये किस संग्रहालय में है? मातिस का डांस चित्र कहाँ पर रखा है? लूव्र में है, लूव्र पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, या मेट्रोपॉलिटन न्यूयॉर्क में है बताइए? छह नंबर पे आ जाएंगे आप लोग। मातिस का डांस ये है आपका न्यूयॉर्क में है, कहाँ है? छह नंबर बी, न्यूयॉर्क में है। वुमेन विद हैट बताइए, वुमेन विद हैट ये किसकी पेंटिंग है? हेनरी मातिस, आंद्रे दियर, कैमून, जीन पाई, किसकी है? हाँ बहुत बढ़िया, हेनरी मातिस का ही है, वुमेन विद हैट, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, फाववाद का आरंभ कब होता है? 1904, 10, 8, 5, कब होता है फाववाद का जन्म? शाबाश, इसमें आ जाइए, आठ नंबर पे, बहुत बढ़िया, स्पीड बढ़ा लो अपनी थोड़ा सा, साथ साथ करेंगे आप लोग, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, 1904 हो जाएगा। आगे, कठोर रंगों वाली जंगली शैली ये किस कलावाद को कहा जाता है? फाववाद को, घनवाद को, अभिव्यंजनावाद को, अति यथार्थवाद को, किसको कहते हैं? कठोर रंगों वाली जंगली शैली किस कलावाद को कहा जाता है ये पूछा गया है आपसे, नौ नंबर पे। एक बार थोड़ा सा क्लास को शेयर कर दीजिए सभी तक, काफी बच्चे जुड़े हुए नहीं है अभी। हाँ ऑप्शन ए होगा, फाववाद इसका हो जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एक बार भेज दीजिए सभी लोग क्लास को। चलिए, फाववाद आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन है? गुस्ताव मूरो हैं, मातिस हैं, मार्कवे हैं, राउल्ट हैं? फाववाद आंदोलन के प्रेरणा स्रोत बताइए क्या होगा दस नंबर पे? शाबाश, तो कौन है बताएंगे सभी लोग? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या हो जाएगा आपका? हेनरी मातिस इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है लक्स कैलमे एट बोल्ट विलासिता शांत और खुशी किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है ये बताइए? पिकासो, हेनरी एडमंड, हेनरी मातिस, रूसो, क्या है इसका सही आंसर? 11 नंबर पे आ जाइए, शाबाश आंसर आ गया है, हेनरी मातिस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस जितने हैं ना सारे अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। भूखा शेर हिरन को पकड़ता हुआ ये कैनवास पर तेल रंग में बना हुआ है बताइए किसका है ये? भूखा शेर हिरन को पकड़ता हुआ किसका चित्र है ये बताना है आपको, बताइए। हाँ हाँ, सुबह 7 बजे क्लास चली थी, बहुत बढ़िया, 12 नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा, हेनरी रूसो इसका एकदम सही ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पूछा जा रहा है कौन उत्तर प्रभाववादी चित्रकार नहीं है बताइए? मातिस है, वान गॉग है, सेजा है, गोंग है, बताइए क्या होगा 13 नंबर पे? शाबाश, ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा, मातिस नहीं है। कौन है बता दो जल्दी से, कौन से वाद से है? चलो, घनवाद के प्रवर्तक कौन थे ये बताइए? घनवाद के प्रवर्तक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग बताएंगे एक साथ? शाबाश, घनवाद के प्रवर्तक कौन है सभी लोग बताइए, क्या होगा? पिकासो एंड ब्रॉक, बहुत बढ़िया आंसर हो जाएगा, पिकासो एंड ब्रॉक ये जो है ये घनवाद के प्रवर्तक हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो, घनवाद का जन्म कब होता है? 1907, 1909, 1911 क्या होगा? घनवाद का जन्म कब होता है ये बताना है दूसरे नंबर पे, सभी लोग बताएंगे एक साथ। दूसरे पे आइए, दूसरे पे कब होता है जन्म? 1907, बहुत बढ़िया, शाबाश, ऑप्शन बी 1907 हो जाएगा। पाब्लो पिकासो का कौन से वाद से संबंध है? प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, घनवाद, दादावाद, कौन से वाद से संबंधित है इनका? आंसर सी हो जाएगा, घनवाद से संबंधित है। देखो, फर्स्ट मैराथन भी देखनी है, सेकेंड भी देखनी है, थर्ड भी देखनी है, तीन मैराथन हमने करवाई हुई है किसकी? वेस्टर्न आर्ट की, तो तीनों ही मैराथन आपको पूरी टाइम टू टाइम देख लेनी है, ठीक, बस इतना ही पढ़ लेना है, इसके बाद नहीं पढ़ना कुछ भी। हाँ आगे बढ़ते हैं, कौन सा चित्र है एक रंगी मतलब मोनोक्रोम योजना में चित्रित है? बूढ़ा यहूदी, भोजन, ग्वेर्निका, दर्पण, मोनोक्रोम योजना में चित्रित कौन सा है चित्र? चौथे नंबर पे बता दीजिए, अभी परीक्षा का कोई भी क्लियर नहीं है, जब होता है तो बताएंगे हम आपको, ठीक है, ग्वेर्निका हो जाएगा। आगे,
बताओ कौन 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार है? 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार पूछा गया है, क्या होगा? रेनवार, पिकासो, मीरो, कॉन्स्टेबल। बहुत बढ़िया, पिकासो हो जाएगा, ठीक, याद रखना है। आगे, कागज के टुकड़ों को कैनवास अथवा अन्य किसी धरातल पर चिपकाने से क्या बनता है? कागज की बात हो रही है, स्टेंसिल, कोलाज, मोन्टाज, पेपर मेशी। 6 नंबर पे आइए। शाबाश, बी हो जाएगा कोलाज। अगर फोटो का बोलता तो मोन्टाज हो जाता, ठीक है, फोटो के टुकड़ों को। आगे, कोलाज का प्रयोग आधुनिक कला में किस आंदोलन से स्टार्टिंग होती है? संश्लिष्ट घनवाद, घनवाद से, दादावाद से, अति यथार्थवाद से, फाववाद से, बताइए। और होती है किससे? ऑप्शन ए, घनवाद से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है, कोलाज की, ठीक है। चलिए आगे, सेजा तथा एमिल बर्नार्ड होगा, बर्नार्ड के मध्य हुए पत्र व्यवहार को कब प्रकाशित किया गया था, जिसके आधार पर घनवाद सिद्धांतों की स्थापना हुई है, बताइए क्या होगा? हाँ, ये सब पढ़ाएंगे अभी, ये ग्रुप वगैरह ना सब आएंगे अभी धीरे धीरे करके। 8 नंबर पे आइए। सी, एकदम सही है, 1907 हो जाएगा। आगे, किसी घन की चित्रित ज्यामितीय आकृति को क्या कहते हैं? घनात्मक, त्रितलीय, षटकोणीय, त्रिकोणीय कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बताइए। किसी घन की चित्रित ज्यामितीय आकृति को क्या कहते हैं? तो इसको हम घनात्मक बोलते हैं, ऑप्शन ए इसका एकदम सही हो जाएगा, क्यूबिज्म बोलते हैं, ठीक है। चलिए, लेस डेमोइसलीज द अभिनयों के चित्रकार का नाम बताना है, बताइए। लेस डेमोइसलीज द अभिनयों के चित्रकार कौन है? मोने है, ब्राक है, पिकासो है, पॉल गोगिन है, क्या है राइट आंसर 10वें नंबर का? सी, एकदम सही है, पिकासो हो जाएगा। आगे, पाब्लो पिकासो का जन्म होता है स्पेन में, फ्रांस में, इटली में, ग्रीस में होता है, कहाँ होता है पाब्लो पिकासो का जन्म? 11 नंबर पे आइए, ये होता है कहाँ पर? स्पेन में, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ, सभी को हैप्पी टीचर्स डे एंड थैंक यू। आ जाइए जल्दी से, बस इतना पढ़ लीजिए कि आप भी एक जगह, ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां मतलब मजा आ जाए, ठीक है। चलो, यथार्थवादी, अमूर्तन, लोक कला, रहस्यवादी, थोड़ा सा झोंक दीजिए खुद को एकदम आग में और ये आग आपको टीचर बना के छोड़ेगी। हाँ, 12वें नंबर पे आइए, बी नंबर एकदम सही है, अमूर्तन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक बार फिर से बोलते हैं, आज का कारवां कल सफल होगा, बिन घबराए बस चलते रहना। आज का कारवां कल सफल होगा, बिन घबराए बस चलते रहना, पैर के छालों पर भी प्राउड फील होगा जब गले में मेडल और हाथ में सर्विस लेटर होगा, ठीक है। तो बस उसी सर्विस लेटर के लिए जी जान से लग जाना है। हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया, आंसर आ चुका है। तो 12वें का हो गया अमूर्तन। आगे बढ़ते हैं, पिकासो का जन्म कब होता है ये बताइए? 1881, 82, 80, 56, कब होता है? 13 नंबर पे आइए, शाबाश, ऑप्शन ए होगा, 1881 में होता है। थोड़ा स्पीड में चलेंगे। अपने पिंक पीरियड, हमने बताया था पिंक पीरियड, ब्लू पीरियड, ये कौन फेमस है इसके लिए? गोगा या वॉन गोग या सेजा या पिकासो, बताइए। बहुत बढ़िया, 14 पे आइए, ऑप्शन डी, शाबाश, मोहित चौहान, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, सर्वाधिक प्रसिद्ध शांति जो है ये किसने बनाया है? पीस को, पिकासो ने, सल्वाडोर डॉली, एफ एन सूजा, वॉन गॉग। 15 पे आएंगे, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑप्शन ए होगा, पिकासो। परसों की क्लास किसी को भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि परसों जो है ना मुगल काल पढ़ाना है हमको, और मुगल काल में बहुत समस्याएं हैं आप लोगों को, और मुगल काल के जस्ट बाद एक बच्चे का आया था कि मैम राजस्थानी कला पढ़ा दीजिएगा, तो इसके बाद आप लोग राजस्थानी कला के लिए तैयार रहिएगा, पहले हम मुगल पढ़ाएंगे परसों के दिन, ठीक। पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में होती है? 20, 19, 18, 17, बताइए। ऑप्शन ए एकदम सही है, 20वीं शताब्दी में होती है, ठीक। आगे, जॉर्ज ब्रॉक जो है ये किस कला आंदोलन से संबंधित है? नव प्रभाववाद, अति यथार्थवाद, भविष्यवाद, घनवाद। जॉर्ज ब्रॉक का संबंध हमें कौन से आंदोलन से मिलता है ये पूछा जा रहा है 17 नंबर पे। डी होगा, क्या होगा भाई? घनवाद से, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नीली और गुलाबी अवधि, वही है पिंक ब्लू पीरियड, किसको कही जाती है? कूर्बे, मुंक, रूसो, पिकासो, क्या है इसका राइट आंसर? बता दो जल्दी से मेरे शेरो।
हाँ 18 का डी हो जाएगा, पाब्लो पिकासो हो जाएगा। आगे, पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली थी अफ्रीकी चित्रों से, गुफा चित्रों से, भित्ति चित्रों से, शास्त्रीय कला से। किससे ली थी? अफ्रीकी चित्रों से ली थी। किससे? अफ्रीकी चित्रों से। आगे, तीन संगीतज्ञ मोस्ट इंपॉर्टेंट किसकी पेंटिंग है? पिकासो, नंदलाल बोस, माइकल एंजलो, इनमें से कोई नहीं। तीन संगीतज्ञ को किसने बनाया है? बताएंगे सभी लोग? बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे, पिकासो हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, घनवाद में कितने आयाम होते हैं? तीन। कितने होते हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच। कितने होते हैं? या अनेक होते हैं? तीन हो जाएगा, ठीक। पिकासो किसके समय में पैदा होता है? फासिज्म, रिनेशा, घन घन चित्रण, आभास चित्रण, बताओ। बहुत बढ़िया, आंसर सी हो जाएगा, क्यूबिज्म। इसका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह घनवाद की पहली कृति है, किसकी है? बताओ। देखो, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि घनवाद की पहली कृति कौन सी है, तो बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह 1912 का है। ब्रॉक की है, पिकासो की है, अर्नेस्ट की है, या फिर लियोनार्डो की है? 23 नंबर पे आएंगे, पिकासो की है, याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, घन में एक दर्शक कितने तल को देख पाता है? 8, 3, 6, 2। कितने तल देख पाता है? 24 पे आइए। 3 तल देख पाता है, ठीक है, होते 6 है लेकिन 3 देख पाता है। आगे, कौन से दो कलाकारों ने ज्यामितीय चलन, चमकदार रंग तकनीक का समावेश अपने चित्रों में किया है? पॉल सेजा और विंसेंट वॉन गॉग, पिकासो और ब्रॉक, माने एवं एडगर डेगा, वॉन आइक बंधु। 25 पे आइए, क्या है राइट आंसर? बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया आ गया, पिकासो और ब्रॉक इसका हो जाएगा। आगे, परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन में कितने पक्ष दिखाई देते हैं? 6, 5, 3, 4, बताइए। हाँ, 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका एकदम सही होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, एविग्नन सुंदरिया बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये किसने चित्रित किया है? मोदी ग्लियानी, पिकासो, लोत्रिक, या फिर जोंग्रीस? 27 पे आइए, शाबाश, बहुत बढ़िया, पिकासो हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, वैष्णवी फ्री एजुकेशन जो ग्रुप बना है टेलीग्राम, उस पे शेयर कर दीजिए एक बार, कोई एक बच्चा जाके। वॉन गॉग हो जाएगा, सेजा, MF हुसैन, पिकासो। मुर्गा किसने बनाया है भाई? चिकन आ गया आपका फेवरेट वाला, है ना? चलो आ जाओ, पिकासो हो जाएगा, ठीक। मुर्गा को पका के खाते हैं, बहुत बढ़िया। पिकासो का विश्वविख्यात चित्र है ग्वेर्निका, कौन सी शैली का है? अति यथार्थवादी, घनवादी, अभिव्यंजनावादी, तीनों। पिकासो का संबंध हमें किससे मिलता है, ये बताना है। तो क्या होगा? ये तीनों से ही हो जाएगा, ठीक। अति यथार्थवादी भी है, घनवादी भी है, अभिव्यंजनावादी भी है, और अगर मेनली देखा जाए तो घनवादी में आ जाता है इसका, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, प्रसिद्ध चित्र है ग्वेर्निका को किसने बनाया है? रेम्ब्रा, लियोनार्डो, टिशिया, पिकासो, बताइए। ग्वेर्निका को किसने बनाया है, ये बताना है। तो ये बनाया है किसने? ग्वेर्निका ने बनाया, किसने? पिकासो ने बनाया है। ग्वेर्निका कौन से माध्यम में है? जल में है, कैनवास पर है, टेम्परा में है, मिश्रित माध्यम में है। मजा आ रही है क्यों? यही क्वेश्चन है जो फंसते हैं आपके एग्जाम में हूबहू। ग्वेर्निका माध्यम क्या है? तो कैनवास पर तेल माध्यम है इसका, ठीक, याद रखना है। आगे, किसने कहा था मैं शैली विहीन चित्रकार हूं? किसने कहा था? पिकासो ने, देगा ने, लियोनार्डो ने, या फिर मुंख ने? मैं शैली विहीन चित्रकार हूं, पिकासो ने बोला था। पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग है ग्वेर्निका कहाँ सुरक्षित है? न्यूयॉर्क में, स्पेन में, यूके, फ्रांस में। ग्वेर्निका, ग्वेर्निका बहुत पूछी जाती है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। हाँ, 33 पे आइए, ऑप्शन बी होगा, स्पेन में। कहाँ पर? स्पेन में है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 33 हो गया, 34 पे आइए। पूछा गया है रेमन ड्यूशा विलो की हॉर्स शीर्षक जो मूर्ति है किससे बनी है? स्टील से, कांसा से, ग्रेनाइट से, मार्बल से? 34 पे आइए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी कांसे से बनी है। हॉर्स जो है किससे बनी है? कांसे में बनी हुई है, आपको याद रखना है।
घनवाद कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5, कितने प्रकार का घनवाद होता है ये बताना है आपको। 35 पे आइए, शाबाश। हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 35 पे आइए, शाबाश कोमल ठाकुर, वेरी गुड। ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच घनवादी मूर्तिकार रेमंड डुशा विलो की 1914 में बनी जो हॉर्स है ये वर्तमान में कहाँ रखी है ये बताना है। पेरिस में है, यूएसए में है, या म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट यूएसए में है, या यूके लंदन में है। 36 पे आइए, क्या होगा 36 नंबर? ऑप्शन सी होगा, म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट यूएसए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा टीचर बन चुकी हैं वो, बहुत बढ़िया। चलो घनवाद से प्रेरणा लेकर निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। ब्रॉक है, ओजनफेंट है, केएस कुलकर्णी है, राम कुमार है। 37 पे आ जाइए, सभी को टीचर्स डे, हाँ हाँ हैप्पी टीचर्स डे, आ जाइए 37 पे आ जाइए फटाफट से। ऑप्शन डी हो जाएगा, राम कुमार इसका हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि अभी भी क्वेश्चन बहुत हैं। ठीक है, घन में कितनी सतह होती है? 2, 3, 6, 8, कितनी होती है ये बताना है आपको। सी हो जाएगा, 6 होती है लेकिन दिखती कितनी है, 3 है। आगे, इनमें से घनवादी कलाकार नहीं है कौन नहीं है? ब्रॉक, पिकासो, फर्नान लेजे, या फिर जेम्स एंसोर, कौन नहीं है ये बताना है। शाबाश, आंसर होगा ऑप्शन डी, जेम्स एंसोर जो है ये नहीं है, बाकी तीनों के तीनों कौन है, घनवादी में आ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, विवस्त स्त्री किस घनवादी का है? पिकासो, लेजे, ब्रॉक, कोई नहीं। बताइए विवस्त स्त्री को किसने बनाया है ये बताना है 40 नंबर पे। शाबाश, ऐसी ही रिप्लाई आनी चाहिए आपकी 40 नंबर पे। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या होगा 40, बहुत बढ़िया। ब्रॉक इसका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो घनवाद आंदोलन समाप्त हो जाता है 1726 में, 1825 में, 1925 में, 1926 में। 41 पे आइए, घनवाद आंदोलन कब समाप्त होता है? 41 पे आएंगे, शाबाश, आंसर क्या होगा 1927 में। स्टार्टिंग कब हुई थी बताओ जल्दी से, 1904, 1907 कब हुई थी बताओ जल्दी से। घनवाद का अंतिम चित्र कौन सा है? 3 नर्तक, ग्वेंडिका, विवस्त स्त्री, परिवार, क्या होगा? बहुत बढ़िया, घनवाद का अंतिम चित्रकार कौन है? तो ये हो जाएगा आपका 3 नर्तक, इसका एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। द स्टूडियो का कलाकार कौन था? कूर्बे, पिकासो, डेविड, टर्नर, बहुत बढ़िया, शाबाश, 1907। हाँ इस पे आइए, क्या होगा? द स्टूडियो कलाकार कौन था? कूर्बे, पिकासो, डेविड, टर्नर, बहुत बढ़िया, पिकासो इसका हो जाएगा। ठीक है, चलो घनवादी कला आकृतियों को किस रूप में देखते हैं? वर्ग के रूप में, त्रिकोणात्मक और त्रिभुज के रूप में, गोला और त्रिभुज के घन या शंकु के रूप में। 44 पे आइए, शाबाश मेरे शेरों, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। हाँ ऑप्शन डी ये है, घन और शंकु के रूप में। ठीक है, चलिए कोलाज का आविष्कारक कौन था? पिकासो, ब्रॉक, एनर्स्ट, या फिर माइकल एंजेलो, बताइए कोलाज का आविष्कारक कौन है। 45 पे आ जाएंगे, ब्रॉक क्या हो जाएगा? ब्रॉक हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रख्यात चित्रकार है पाब्लो पिकासो, इसकी 1929 ईस्वी में बनी वह पेंटिंग जिसे व्यक्ति ने रंग उड़ेलकर नष्ट कर दिया था, बताइए क्या होगा? वुमेन इन रेड आर्म चेयर, अल्जियर्स वुमेन, ग्वेर्निका, म्यूजिशियन, क्या होगा? 46 नंबर पे। पाब्लो पिकासो की एक कृति को एक ने रंग डाल दिया था ऊपर जलन बस, ऑप्शन ए हो जाएगा, वुमेन इन रेड आर्म चेयर, ऑप्शन ए हो जाएगा। बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने किसका प्रयोग किया था? ऑफसेट लिथोग्राफी, सॉफ्ट ग्राउंड, रिलीफ एचिंग, सुगर लिफ्ट एचिंग, क्या है राइट आंसर? 47 पे आएंगे, धड़ाधड़ तरीके से आंसर करेंगे सभी लोग एक साथ, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑफसेट लिथोग्राफी, बुल फाइट, एकदम याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पिकासो का टाइम बताओ, ब्लू का टाइम बताना है आपको, क्या होगा? बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा क्या,
बताओ जल्दी से, 1901 से 4 का जो टाइम मिलता है वो कौन सा है? ब्लू पीरियड है, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है 3 म्यूजिशियन, कहाँ सुरक्षित है ये बताना है। 3 है ये लिखा है, ठीक है, बताओ क्या होगा 49 पे। म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क, इसका एकदम सही हो जाएगा, 3 म्यूजिशियन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बस नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट होने वाला है इसके बाद। पोर्ट्रेट ऑफ चैम साउटिन के चित्रकार कौन है? वेल्स पेज है, फ्रांस हॉल्स है, एडवर्ड मुंक है, एमिडियो मोदिग्लियानी है, बताइए। 50 पे आ जाइए, आंसर हो जाएगा मोदिग्लियानी, इसका सही हो जाएगा पोर्ट्रेट ऑफ चैम साउटिन, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए शाबाश, जिसने पहले पढ़ लिए होंगे ना हमसे ये क्वेश्चंस, उनको बहुत मतलब आसान लग रहा होगा, थोड़ा बहुत आसान लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ हमारी जो है वेस्टर्न आर्ट में पकड़ हो चुकी है। लेकिन आप लोग भी याद रखिएगा, जो पहली बार पढ़ रहा है क्लास को, रिवीजन जरूर करना है, एक बार हमारे कहने से रिवीजन जरूर करिएगा। ये जो 3 क्लास हमने करवाई वेस्टर्न आर्ट की महामैराथन, तीनों पार्टों को आपको बार बार पढ़ते रहना है, बार बार रिवीजन करते रहना एग्जाम के आने तक, ठीक है। हाँ, रिक्लाइनिंग न्यूड पेंटिंग पूछी है, किसकी है ये, और आ भी गया है आंसर, मोदी किल्याने की है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, बहुत अच्छा लग रहा है मैम, हाँ वही कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, पहली बार की अपेक्षा यहाँ पर ज्यादा हो रहा होगा। द 3 डांसर्स पूछा गया है, मैम मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है बिकॉज मैं रिवीजन करती रहती हूँ, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए इसको बताइए क्या होगा, द 3 डांसर्स किसकी पेंटिंग है? फ्रांसिस बेकन, सल्वाडोर डॉली, पाब्लो पिकासो, एमएफ हुसैन। 52 नंबर पे आएंगे, क्या होगा? हाँ, सभी को टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, आ जाइए जल्दी से, ऑप्शन सी हो जाएगा, पाब्लो पिकासो। अपना टीचर्स डे वही होगा जिस दिन हमारे हाथ में सर्विस लेटर आ जाएगा, ठीक, याद रखना। पिकासो की कौन सी पेंटिंग है जो भारतीय डाक टिकट पर छपती है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 3 संगीतज्ञ, ग्वेर्निका, लेस डिमाइसिस, बताइए कौन सी वाली है। 53 पे आएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 संगीतज्ञ, एकदम ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर अभिव्यंजनावाद, इसकी स्टार्टिंग कब होती है ये बताना है आपको, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। अभिव्यंजनावाद की स्टार्टिंग पूछी गई है, कब होती है ये बताना है, सॉरी कहाँ होती है, तो भारत, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कहाँ होती है? जर्मनी में ना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, अभिव्यंजनावाद किस देश के कलाकारों के द्वारा स्टार्टिंग की होती है? इटली, फ्रांस, जर्मनी, रूस, बताइए दूसरे का क्या है राइट आंसर। तो ये भी आपका जर्मनी ही हो जाएगा, ठीक है। चलो, अभिव्यंजनावाद का प्रमुख कलाकार कौन है? नोल्डे, मुंक, क्ली, कोंडेंस्की, बताओ। बहुत बढ़िया, मुंक हो जाएगा, एडवर्ड मुंक इसका सही हो जाएगा। आगे, एमिल नोल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है? भविष्यवाद से, घनवाद से, दादावाद से, जर्मन अभिव्यंजनावाद से, बताइए। एमिल नोल्डे का संबंध हमें किससे मिलता है? तो याद रखना, जर्मन अभिव्यंजनावाद से, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, द स्क्रीन चित्र किसने चित्रित किया है? पिकासो ने, एडगर माने ने, या फिर मोनेट ने, या फिर एडवर्ड मुंक ने। 5वें नंबर पे आइए, किसने द स्क्रीन? ऑप्शन डी, एडवर्ड मुंक इसका सही हो जाएगा। आगे, ब्लू राइडर, बताइए ब्लू राइडर जो है ये किस कलाकार का है? मुंक, नोल्डे, कर्नेंस्की, मोने, बताइए सभी लोग क्या होगा ब्लू राइडर चित्र किस चित्रकार का है ये बताना है। 6 नंबर पे सी हो जाएगा, कर्नेंस्की का है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे, पॉल क्ली का जन्म वर्ष बताइए, 1879, 1872, 1852, 1425, 7 नंबर पे आएंगे। पॉल क्ली का जन्म वर्ष क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1879 है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रीडा कोहलो ये किस देश से संबंधित कलाकार थी? बहुत पूछा जाता है ये, जर्मनी से, मैक्सिकन है, फ्रांस की है, इटली की है, बताओ फ्रीडा कोहलो जो है कहाँ की है? क्या होगा? मैक्सिकन, कहाँ से है ये? मैक्सिको की है, ये भी याद रखना है।
आगे, पॉल क्ली की कला की तुलना किस आधुनिक भारतीय कलाकार से होती है? बताओ 9 नंबर पे क्या होगा? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर से की जाती है। भारत की फ्रिडा कोहलो किसे कहा जाता है? सुनैना देवी, अमृता शेरगिल, रानी चंद्रा, मृणालिनी मुखर्जी, बताइए 10 नंबर का क्या है? ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल को फ्रिडा कोहलो कहा जाता है भारत की। ठीक, याद रखना है। 11वें पे आते हैं। मैक्सिको की सर्वाधिक चर्चित महिला चित्रकार फ्रिडा कोहलो के जीवन पर 2002 में किस अमेरिकी नाट्य ओपेरा निर्देशिका ने एक फिल्म बनाई थी जो फ्रीडा के दर्द और संघर्ष भरे जीवन को दिखाती है? किसने बनाई थी बताओ? सलमा सलमा हयाक ने, या एक सेकेंड क्या हो गया ये, हाँ, सलमा हयाक ने, या जोस लुइक क्विज ने, या फिर एल्सकेलरा ने, या तैमूर ने बनाई थी? किसने बनाई थी? तैमूर। बहुत बढ़िया, जूली तैमूर इसका हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया है? फिर से रिपीट हो गया है शायद ये क्वेश्चन, बताइए किसने किया है? ब्रॉक ने, फ्रेंच मार्क ने, शगाल ने, जेजा ने, किसने किया है? वो दूसरा था ऊपर, वो चित्र था, वो दूसरा था ब्लू राइडर। इसका क्या होगा? फ्रेंच मार्क इसका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसे आधुनिक पोस्टर का पिता कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, एडवर्ड को, जूल्स चर्ट को, एडगर डेगा, पेरे अगस्त रोनवा, क्या है इसका राइट आंसर? आधुनिक पोस्टर का पिता कहा जाता है, ये बताइए 13 नंबर पे, बी हो जाएगा, जूल्स चर्ट को कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, मैक्सिको के विश्व प्रसिद्ध म्यूरल आर्टिस्ट, जिसे हम भित्ति चित्रकार बोलेंगे, जिनसे फ्रिडा कोहलो काफी प्रभावित थी, बताइए किससे? डिएगो रिवेरा, बेल्ट्रान, कोस्ट्रो, बुराको, बताइए 14 नंबर। ऑप्शन ए होगा, डिएगो रिवेरा इसका हो जाएगा। आगे, ब्लू राइडर समूह जो है, ग्रुप है, इसके किस अग्रणी सदस्य ने लेडी इन अ ग्रीन जैकेट को चित्रित किया है? फ्रेंच मार्क, मैक्स बैकमैन, अगस्त मैके, ऑस्कर कुकोस का, 15 पे आई है। आंसर हो जाएगा मैक्स बैकमैन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। 1905 में अर्नस्ट लुविक किशनर किशनर के नेतृत्व में चार जर्मन कलाकारों फ्रिट्ज ब्लेल, एरिच हैकल, अर्नेस्ट लुडविक फिरर, और फिर दिया है कार्ल स्मिट रोटल्स, इसके एक समूह ने ड्रेसडेन शहर में गठन किया था, बताइए क्या होगा? डाईब्रुक, वस्तुनिष्ठवाद, आवरण गोगे, या फिर आधुनिकतावादी आंदोलन, क्या है राइट आंसर? डाईब्रुक हो जाएगा, ऑप्शन ए डाईब्रुक इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विचार को प्राथमिकता देता है, दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है, यथार्थवादी आंदोलन, संकल्पनात्मक कला, स्त्रीवादी आंदोलन, आध्यात्मिक कला, बताइए 17 का क्या होगा राइट आंसर? हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा, संकल्पनात्मक कला इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, जर्मन अभिव्यक्तिवादी स्कूल की जड़ें और कृतियों से रखी गई हैं, ठीक है, जिन्होंने 1885, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 18 नंबर पे? देखो, जर्मन अभिव्यक्तिवादी स्कूल की जड़ें, और फिर इसके बाद जो है ना, यहां पर बीच में डैश होगा, ठीक है, की कृतियों से रखी गई हैं, जिन्होंने 1885 से 1900 की अवधि में एक बेहद व्यक्तिगत चित्रकला शैली विकसित की। हाँ, बीच में डैश था यहाँ पे, ठीक है, वही हम कह रहे हैं कि ये तो सिस्टम बिगड़ रहा है। चलिए, 18 नंबर पे क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, विंसेंट वॉन गॉग और एडवर्ड मुंक इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है किस सिद्धांत में अभिव्यंजनावाद को अभ्युदय, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय को आलंब प्रदान किया गया है? नवशास्त्रीवाद, भाववाद, रोमांसवाद, यथार्थवाद, बताइए 19 नंबर पे क्या होगा? क्या होगा 19 पे, आइए फटाफट से, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रोमांसवाद, स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंदवाद,
एडवर्ड मुंक ने चार संस्करणों में किस प्रसिद्ध चित्रकला को चित्रित किया है? रेड हॉर्सेस, द स्क्रीम, लेडी इन अ ग्रीन जैकेट, द स्टॉर्म। बताइए 20 नंबर पे आंसर होगा ऑप्शन बी, द स्क्रीम हो जाएगा। आगे अभिव्यक्तिवादी कला की विशिष्ट विशेषता क्या थी? बताइए क्या होगा 21 नंबर पे, सभी लोग करेंगे। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। कला जो वास्तविकता के बजाय भावना व्यक्त करती है, विकृत और अतिरंजित विषय, ज्वलंत और चौंकाने वाले रंग। इस तरह से और ए बी सी डी इसके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। आगे द ब्लू राइडर ग्रुप के संस्थापक सदस्य में एक का नाम बताना है। एगोन सिली, हेनरी मातिस, फ्रांज मार्क, क्लोद मोरे। बताइए क्या है 22 नंबर पे, सी हो जाएगा, फ्रांज मार्क इसका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फैट ऑफ द एनिमल्स, फैट ऑफ द एनिमल्स पूछा गया है, इसके चित्रकार कौन है? फ्रांज मार्क, वेस्ली कैंडिंस्की, अगस्त मैके, गैब्रियल गुंटर। 23 नंबर पे आएंगे सभी लोग, क्या होगा? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रेंच मार्क इसका एकदम राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, द टावर ऑफ ब्लू हॉर्सेस तेल चित्र किस चित्रकार का है? द टावर ऑफ ब्लू हॉर्सेस तेल चित्र जो है किस चित्रकार का है? वेस्ली कैंडिंस्की का है, एजले वॉन जेल्स्की का है, या फिर ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए क्या होगा, लेकिन याद रखना है आपको किसका है। आंसर होगा फ्रेंच मार्क का है। किसका है? द टावर ऑफ ब्लू हॉर्सेस किसका है? फ्रेंच मार्क का है, आपको ये याद रखना है। जर्मन पत्रिका पूछी गई है द स्टॉर्म, इसमें किस ऑस्ट्रियन कलाकार ने अभिव्यक्तिवादी कला प्रदर्शित की है? फ्रेंच मार्क, मैक्स बैकमैन, एडवर्ड मुंक, ऑस्कर कुकुश्का। क्या है राइट आंसर 25 नंबर पे? जो लास्ट तक टिकेगा, जो लास्ट तक टिकेगा ना वही सीट ले जाएगा, ठीक है। तो लास्ट तक टिकना है और अपनी सीट सीट को अपनी कंफर्म करना है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी हो जाएगा, कोको उसका हो जाएगा। आगे, किस कलाकार ने द लार्ज रेड हॉर्सेस, द लार्ज रेड हॉर्सेस को चित्रित किया था? ब्लू राइडर समूह का संस्थापक सदस्य भी था। फ्रेंच मार्क, अगस्त मैके, मैक्स बैकमैन, ऑस्कर कुकोश्का। 26 पे आइए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रेंच मार्क इसका एकदम सही ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। अभिव्यक्तिवाद की विशेषता को दुनिया के सामने पेश करना है, भावनात्मक प्रभाव के लिए मूल रूप से व्यक्तिपरक दुनिया को विकृत करें, भावनात्मक प्रभाव के लिए व्यक्तिपरक दुनिया को कल्पना में बदलना, या फिर व्यक्तिपरक दुनिया को बहुत स्वाभाविक रूप से भावनात्मक प्रभाव हेतु समझना। क्या है इसका? ये बी में जो दिया था ना भावना वाला, ये एकदम सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। द स्क्रीम शीर्षक वाली प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्रकला में एक को किया गया है, किसके द्वारा चित्रित है? एडवर्ड मुंक। स्क्रीम की बात हो रही है, द स्क्रीम की हम पढ़ चुके हैं, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक है। आगे, अभिव्यक्तिवादी कला आंदोलन का स्टार्टिंग कब होता है बताओ? क्या होगा 29 नंबर पे, आ जाइए सभी लोग, शाबाश। हम तो बीच में आए, काहे बीच में आए, हाँ टाइम से आना था ना, 7 से 9 चलती है आपकी मैराथन, डेली जुड़ा करिए। एक दिन बाज बैच चलता है तो उसमें भी मैराथन ही है, एक तरह से एमसीक्यूज करवाए जाते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी होगा, 1900 की शुरुआत में। परसों जरूर जुड़ना है सभी को, क्योंकि परसों जो है ना धमाका होने वाला है मुगल कला का, उसमें आप लोगों को मिलने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे लोग, ठीक है। तो हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जोधा, अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, सबसे मुलाकात करवाएंगे, ठीक है। हाँ सभी इस पे आइए, क्या होगा 30 नंबर पे? अभिव्यक्तिवादी कलाकारों ने भौतिक वास्तविकता के बजाय किसका अर्थ व्यक्त करने की मांग की थी? तो ये की थी भावनात्मक अनुभव, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ, रोटी बना रही हूँ फिर भी पढ़ रही हूँ, वेरी गुड अश्मिता यादव, बहुत बढ़िया। आगे 31 नंबर पे आ जाइए, सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी कौन है बताइए 31 नंबर पे, क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही है, 31 पे आ जाइए, सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी कौन है? तो ये है मैक्स बैकमैन, ऑटोडिक्स, लियोनेल फिनिंगर,
जॉर्ज ग्रॉस, ये आपका ऑप्शन है, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ अनारकली भी आएंगी भाई, अनारकली कैसे छूट सकती है, जहांगीर के साथ साथ तो अनारकली आएगी ही ना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, सारे शौक पूरे हो जाएंगे, परेशान नहीं हो क्लास में। ठीक है चलो 32 पे आ जाओ। नीचे दिए गए उत्तर से सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादियों में किस एक की पहचान करना है, बताइए। हाँ आ जाइए जल्दी से, क्योंकि क्वेश्चंस हैं अभी। बी हो जाएगा मैक्स बैकमैन, इसका एकदम ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, उस देश को पहचानना है जहां से अभिव्यक्तिवाद या अभिव्यंजनावाद कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित होता है, फ्रांस, इटली, अमेरिका, जर्मनी, बताइए। 33 का क्या है, पढ़ चुके हैं हम लोग ऊपर, जर्मनी हो जाएगा, बताइए क्या होगा आगे। 34 नंबर पे आइए, इस क्लास के होते ही हम वाला वो लगा देंगे, ठीक है। चलिए इसको बताइए, हम उसका शेड्यूल लगा देंगे इस क्लास के होते ही, ठीक है, आप देख लीजिएगा। एडवर्ड मुंक एक ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं, उन्होंने वुडकट और लिथोग्राफी माध्यम में भी काम किया है, क्या ये बात सही है, बताइए। बिल्कुल सही बात है, उन दिनों कलाकार केवल एक माध्यम तथा कला की केवल एक टेक्निक से संतुष्ट नहीं होते थे, बिल्कुल सही बात है, संतुष्टि हो ही नहीं सकती है, ऑप्शन सी होगा, उन दिनों या आज के दिनों में संतुष्टि कभी नहीं हो सकती किसी चीज से। आगे चलते हैं, द स्क्रीन के चित्रकार, बार बार पूछ रहा है तो बता देते हैं बच्चे को, क्या होगा, एडवर्ड मुंक हो जाए, अरे मुंक हो जाएगा, अब शांत हो जाओ, ठीक है चलो आ जाओ। आगे चलते हैं, पूछा गया है, मैम खाना बनाने जा रहे हैं अब, बाद में देख लीजिए, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जिसको दिक्कत हो ना बाद में देख लीजिएगा, लेकिन देख लीजिएगा, बस इतना कहेंगे हम आपसे, ठीक है, हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते कि आप लाइव ही देखिए, लेकिन बस इतना है कि आप लोग देखिएगा जरूर, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेथ बेड ये बना है 1900 में, कैनवास पर तेल माध्यम में, किसका है, जे स्वामीनाथन का है, जाहिदा खानम का है, मुंख का है, हुसैन का है, क्या होगा इसका राइट आंसर। 36 पे आइए, सी हो जाएगा, एडवर्ड मुंख का है, डेथ बेड, ठीक है चलो। द फैट के या फिर फैट कॉर्नर किसकी कृति है, रूबेंस की है, बॉयल की है, नामजून पार्क की है, या फिर वॉन गॉग की है। 37 पे आइए, ये है जोसेफ बॉयल की है, द फैट के या फैट कॉर्नर किसकी कृति है, ये है आपकी जोसेफ बॉयल की है, आपको याद रखनी है, ठीक है चलो। ट्विटरिंग मशीन पूछा जा रहा है, ये किसका चित्र है, ट्विटरिंग मशीन पॉल क्ली का है, वॉन गॉग का है, पाब्लो पिकासो का है, सल्वाडोर डॉली का है, बताइए। 38 नंबर पे क्या होगा, ट्विटरिंग मशीन शीर्षक चित्र किसका है, ऑप्शन ए होगा, पॉल क्ली का है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र है एडवर्ड मुंक के द्वारा निर्मित नहीं है, 3 मई, मृत्युशैया, मृत्यु, द किस, बताइए क्या होगा। 39 पे आते हैं, 3 मई इसका एकदम सही हो जाएगा, अच्छा किसने बनाया है ये बता दो। आगे बाहौस स्कूल कहां पर है, इटली में है, इंडोनेशिया में है, जर्मनी में है, हॉलैंड में है, कहां पर है बाहौस स्कूल पूछा जा रहा है, कहां पर है, तो ये है जर्मनी में है, कहां पर है, जर्मनी में है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है आपका यहां से। 1926 में एनिमिक सिनेमा शीर्षक से फिल्म किस दादावादी कलाकार के द्वारा बनाई जाती है, 1926 में आ जाओ, सॉरी पहले में आ जाओ, शाबाश बहुत बढ़िया, किसके द्वारा, मार्ज, ये दुनशा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। फ्रांसिस पिकाबिया किस कला आंदोलन से संबंधित है, घनवाद, दादावाद, प्रभाववाद, शास्त्रीयतावाद, बताइए। पिकाबिया की बात हो रही है, ज्यादा पकाओगे तो धुन देंगे, दादा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है दादावाद। फाउंटेन जो है किस दादावादी कलाकार की कृति है, बताओ, फाउंटेन की बात हो रही है, मार्शल दुनशा की है, पिकाबिया की है, मैक्स अर्नेस्ट की है, पिकासो की है, किसकी है ये बताना है, ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्शल दुनशा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे इनमें से कौन दादावादी चित्रकार है, पिकासो, डॉली, कूर्बे, मैक्स अर्नेस्ट, बताइए। क्वेश्चंस बहुत दमदार हैं बेटा, देख रहे हो आप लोग, ठीक है, पछताओगे बाद में, पछताना ना पड़े इसलिए क्लास को पढ़ते रहना। हाँ बीच में अभी ब्रेक देंगे, ठीक है 5 मिनट का स्टार्टिंग में, अभी 1 घंटे के बाद, मैक्स अर्नेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे दादावाद के जनक कौन है, दुनशा है, पिकाबिया है, पिकासो और ब्रॉक है, विंची, माइकल एंजेलो है, माने, मोने है, दादावाद के जनक पूछे गए हैं, तो कौन है, दुनशा और पिकाबिया, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घूमती कांच की तस्तरियां किसने चित्रित किया है? घूमती कांच की तस्तरियां, मार्शल दुनशा, फ्रांसिस पिकाबिया, मैक्स अर्नेस्ट, मर्रे। 6 नंबर पे आइए। घूमती कांच की तस्तरियां पूछा गया है, आंसर होगा मार्शल दुनशा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, मार्शल दुनशा का जन्म होता है पेरिस, रोम, ब्रिटेन, जर्मनी। लगातार मैराथन चल रही है ना, तो गले की बिल्कुल से हड्डी टूटी जा रही है गले की। चलो ऑप्शन ए हो जाएगा, पेरिस एकदम सही हो जाएगा। आगे, किसने एक चौखट में बंदर का खिलौना रखकर उसे शीर्षक दिया था सेजान का पोर्ट्रेट? ये किसने दिया था बताओ, क्या होगा? 8 नंबर पे, बहुत बढ़िया, पिकाबिया। ठीक, याद रखना है पिकाबिया ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है ब्रह्मचारियों से विवस्त्र की गई वधु किसका प्रसिद्ध चित्र है? मार्शल दुनशा, पिकाबिया, सोरा, सेजा। ब्रह्मचारियों से निर्वस्त्र की गई वधु किसका है ये बताइए। 9 नंबर पे, मार्शल दुनशा का है, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। आगे, काफी की चक्की किसने बनाया हुआ है और साथ में घूमते हुए शिल्प, दोनों याद रखना है, काफी की चक्की और घूमते हुए शिल्प किसने बनाया है बताइए। 10 नंबर पे क्या होगा? ऑप्शन डी, मार्शल दुनशा एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उस कलाकार का नाम दे जिसे वैचारिक कला के तथा कथित पिता के रूप में जाना जाता है। वैचारिक कला के पिता के रूप में किसको जानते हैं? मार्शल दुनशा को ही जानते हैं, आपको याद रखना है इसके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूछा जा रहा है, पसंदीदा तकनीकों के रूप में कॉलेज और फोटो मॉन्टेज के साथ कौन से प्रसिद्ध आंदोलन का उद्भव होता है बताइए। 12 नंबर पे, और इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, दादावाद का होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। फ्राइड के सिद्धांत और मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों को विकास किया था बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग करेंगे एक साथ, शाबाश, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा, अति यथार्थवादी चित्र हो जाएगा। आगे, प्रसिद्ध चित्र है जलता हुआ जिराफ, बहुत पूछा जाता है द बर्निंग जिराफ, कौन है? शागाल है, क्ली है, डॉली है, मूंख है, क्या होगा? तो ये हो जाएगा सल्वाडोर डॉली, इसका एकदम सही हो जाएगा, जलता हुआ जिराफ। आगे, स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन है? सल्वाडोर डॉली, रूसो, एल्ग्रेको, फ्रांसिस बेकन बताइए। स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार सल्वाडोर डॉली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, सल्वाडोर डॉली का कौन सा है? द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, स्टैंडिंग वूमेन, इंको और स्क्रीम, फिर दिया है कंपोजिशन बताइए। तो सल्वाडोर डॉली का कौन सा है? द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, और दम से ये पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम एफ हुसैन, सल्वाडोर डॉली, माने, पिकासो। मेल्टिंग वॉच को किसने बनाया है? तो ये भी आपको याद रखना है, सल्वाडोर डॉली का ही है मेल्टिंग वॉच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अति यथार्थवाद को किसने विकसित किया है? ब्रेतो, वॉन गॉग, पिकासो, सल्वाडोर डॉली बताइए। अति यथार्थवाद को किसने चित्रित विकसित किया है? तो याद रखना, ब्रेतो, इसका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, आंद्रे ब्रेतो ने अति यथार्थवाद को विकसित किया है। आगे बढ़ेंगे, इनमें से अति यथार्थवादी कलाकार कौन नहीं है? सल्वाडोर डॉली, मैक्स अर्नेस्ट, आंद्रे मासो, जैक्सन पोलाक। अति यथार्थवादी कलाकार कौन नहीं है ये बताना है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी होगा, जैक्सन पोलाक, इसका ऑप्शन डी, इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे, अति यथार्थवाद के किस चित्रकार ने फ्राइड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना तरंगों के कलात्मक महत्व को पहचाना है? मोने, पिकासो, मातिस, सल्वाडोर डॉली। 8 नंबर पे आ जाएंगे आप लोग, क्या है सही? सल्वाडोर डॉली, इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। फ्राइड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना तरंगों के कलात्मक महत्व को सल्वाडोर डॉली ने पहचाना था। 9 नंबर पे, अति यथार्थवाद के अंतर्गत बताइए, फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया था? हाँ, फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया है ये बताओ। हाँ, सी हो जाएगा, मैक्स अर्नेस्ट ने फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किया था।
हाँ शाबाश, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पूछा जा रहा है, ऑयल ऑन कैनवास माध्यम में निर्मित है 1926 ईस्वी का चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किस स्पेनिश कलाकार ने बनाया है? पिकासो, एम एफ हुसैन, जॉन मीरो, सूजा। 10 नंबर पे आइए, और सही होगा जॉन मीरो, ऑप्शन सी हो जाएगा। 11वें पे आते हैं, किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ मून 1958 के मध्य निर्मित सिरेमिक भित्ति चित्र है ये पेरिस में यूनेस्को की इमारत पर बनाया था? पहली बात तो ये भी याद रखना है, किसने बनाया था? 11वें पे आइए, जॉन मीरो, सल्वाडोर डॉली, रेन मॉयट या फिर पॉल देलवा। जॉन मीरो हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, समस्त अति यथार्थवादियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है? जॉन मीरो, मैक्स अर्नेस्ट, मातिस, सल्वाडोर डॉली। 12वें पे आइए, क्या होगा राइट आंसर? समस्त अति यथार्थवादियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है? हाँ बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी हो जाएगा, सल्वाडोर डॉली है। ठीक है, एक काम करेंगे, जो 3 महामैराथन हुई है ना आपकी वेस्टर्न आर्ट की, इन्हीं 3ों महामैराथन को जोड़कर, प्लस प्लस करके तीनों को जोड़कर एक बड़ी सी, हमें लगता है 4 या 5 घंटे की बन जाएगी मैराथन, है ना? इन्हीं को जोड़कर हम एक वीडियो बना देंगे, तो उसको फिर देखते रहना बाद में, ठीक है? वो भी चलवा देंगे, तो आप लोग एक साथ पढ़ लेना। फिर दिया है, अति यथार्थवाद व चित्रकार नामक पुस्तक के लेखक कौन है ये बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रेतो इसका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अति यथार्थवाद की मासिक पत्रिका है अति यथार्थवादी क्रांति का प्रकाशन कब होता है? 1925, 1923, 24, 22, बताइए क्या होगा? ऐसा रहेगा ना कि जैसे ये 3 मैराथन है आपको कभी नहीं मिलती हैं, है ना, एक साथ नहीं मिलती हैं, तो कम से कम वो वीडियो डली रहेगी तो आपको मिल जाएगी आसानी से। हाँ सी हो जाएगा, 1924 में। स्त्री और पक्षी या फिर दे दे दोना आई ओसेल, ये किसकी प्रसिद्ध शिल्पाकृति है ये बताना है। सल्वाडोर डॉली की है, मैक्स अर्नेस्ट की है, जॉन मीरो की है, आंद्रे मैस्रो की है। स्त्री और पक्षी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं जॉन मीरो की है ये, ठीक है, ये नीचे लिख दिया है, जॉन मीरो इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकारों में से एक का नाम बताएं जिन्होंने अलौकिक कला की स्थापना की थी। मैक्स अर्नेस्ट, एंड्रे बेटन, डी चिरिको, सल्वाडोर डॉली। 16 पे आइए, क्या है राइट आंसर? आंसर हो जाएगा सल्वाडोर डॉली। आगे बढ़ते हैं, अलेक्जेंडर काल्डर सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक कला आंदोलन के एक संस्थापक सदस्य थे, उस कला आंदोलन की पहचान करना है, बताइए। 17 नंबर पे ये है आपका काइनेटिक कला, कौन सी कला है? काइनेटिक कला हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, वर्ष 1975 में किसे BMW 3.0 CSL को चित्रित करने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको चित्रित करने के लिए अनुबंधित किया गया था जो BMW आर्ट कार प्रोजेक्ट में पहला वाहन था, बताइए क्या होगा? अरे यार बताइए इसका क्या होगा? 18 नंबर पे बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर काल्डर इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसने अति यथार्थवादी घोषणा पत्र लिखा था? अति यथार्थवादी घोषणा पत्र आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, आंद्रे बेटन, सल्वाडोर डॉली, मैक्स अर्नेस्ट, जॉन मीरो। 19 नंबर पे आइए, अति यथार्थवादी घोषणा पत्र किसने लिखा है? तो सभी को पता है, आंद्रे बेटन, इसका ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आई एंड द विलेज, बताइए आई एंड द विलेज इसके चित्रकार कौन है? मैक्स अर्नेस्ट है, जॉन मीरो है, मार्क शागाल है, मनरे है, बताइए क्या होगा? हाँ बहुत बढ़िया, 1924 में लिखा था, वेरी गुड पूजा कुमारी, वेरी गुड। हाँ 20 नंबर पे आ जाइए, तो आई एंड द विलेज पूछा है, तो आंसर सी हो जाएगा, ये है आपका मार्क शागाल हो जाएगा। आगे, द क्रूसीफिक्शन ऑफ सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस इसके चित्रकार कौन है? इंपॉर्टेंट है, द क्रूसीफिक्शन ऑफ सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस, पिकासो, बताइए क्या होगा? 21 नंबर पे, और ये है आपका सल्वाडोर डॉली, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बर्निंग जीराफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो लिखा है ना, अब इसको आपको अच्छे से रख लेना है। बर्निंग जीराफ
प्रीमोनिशन ऑफ सिविल वॉर, फिर दिया है गाला इन द विंडो, फिर है लॉबस्टर टेलीफोन, सिंक्स, ये सब जो चित्र हैं किसके हैं? बर्निंग जिराफ, प्रीमोनिशन ऑफ सिविल वॉर, गाला इन द विंडो, लॉबस्टर टेलीफोन, सिंक्स, ये सब चित्र किसके द्वारा बने हैं ये बताना है। फ्रेंच मार्क, एडगर डेगा, आंद्रे ब्रेटन, सल्वाडोर डॉली। 22 नंबर पे आइए, डी हो जाएगा सल्वाडोर डॉली के द्वारा। आगे, किस शैली में यंत्रवत ड्राइंग, बुलेटिज्म, कोलाज, कुलेज, कैटअप या फिर डेकाल्को मानिया, फोटो मॉन्टेज, ये सब टेक्निक का यूज हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा। तो ये सब हुआ है अति यथार्थवाद में, ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सल्वाडोर डॉली किस कलावाद के प्रतिनिधि कलाकार थे? अति यथार्थवाद, घनवाद, अमूर्तवाद, फाववाद, क्या होगा? किसका है? सल्वाडोर डॉली किस कलावाद के प्रतिनिधि कलाकार हैं ये बताना है। 24 पे आइए, शाबाश, कौन सा है? अति यथार्थवादी इसका सही हो जाएगा, बार बार पढ़ते आ रहे हैं। 1926 में चित्रित है द बास्केट ऑफ ब्रेड, इसके चित्रकार कौन है ये बताइए। पिकासो है, मुंक है, डॉली है, रेनिया है, रेनवा है। 25 पे आइए, तो ये द बास्केट ऑफ ब्रेड किसकी है? ये डॉली का है, याद रखना है। आगे, अति यथार्थवादी आंदोलन को 1924 में किसने संस्थापित किया है बताओ। 26 नंबर पे बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी हो जाएगा, आंद्रे ब्रेटन इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, डैस 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 को बहुत से लोग अति यथार्थवादी चित्रकारों में से एक मानते थे जो कि एक स्पेनिश था, किसकी बात हो रही है? चिरिको की, पॉल क्ली, जॉन मीरो, सल्वाडोर डॉली, किसकी बात हो रही है? तो सभी को पता है सल्वाडोर डॉली पर ही ये निशाना साधा जा रहा है। आगे, सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी में से एक का उपनाम अति यथार्थवाद का पॉप है, जो कि आंदोलन के संस्थापक और सिद्धांतवादी थे, नाम बताना है उनका। 28 नंबर पे क्या होगा बताइए। देखिए, बोलने में थोड़ा सा जीभ कभी कभी लड़खड़ा जाती है क्योंकि लगातार बोलना होता है, तो उस पर ज्यादा विशेष ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, ठीक है? हाँ, चलिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, आंद्रे ब्रेटन इसका एकदम सही हो जाएगा। अति यथार्थवादी कला आंदोलन फ्रांसीसी कवि के द्वारा शुरू किया जाता है, जिन्होंने 1924 में अति यथार्थवादी घोषणा पत्र लिखा था। आंद्रे ब्रेटन, जॉन मीरो, अबेस टेंगे या फिर पॉल क्ली, हो रही है ये? हाँ, बिल्कुल सही है, आंद्रे ब्रेटन इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर पे पूछा जा रहा है, सल्वाडोर डॉली का उल्लेखनीय कार्य है परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ये तो आपने पहले भी पढ़ लिया। माध्यम यहाँ पूछा जा रहा है 30 पे क्या होगा, कांसा है, भित्ति चित्र है, जलवर्ण है, तेल चित्र है, बताइए क्या होगा? मैम 5 मिनट रुक जाइए, अच्छा ठीक है, रुक जाते हैं, बस इसके बाद रुक जाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, तेल चित्र है। ठीक है, तो चलिए 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, 30 तक हो गया है, एक काम करते हैं 50 तक कर लेते हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन और कर लीजिए फिर ब्रेक ले लीजिए। चलिए फटाफट से कर लेते हैं 20 क्वेश्चन और। नीचे दी गई सूची में से अति यथार्थवादी और नारीवादी मैक्सिकन महिला कलाकार की पहचान करना है, 31 पे क्या होगा बताइए जल्दी से, क्या होगा 31 नंबर पे? ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रीडा कोहलो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डॉली किस इसके लेखक कौन है बताइए, 32 नंबर पे। आंसर हो जाएगा सल्वाडोर डॉली है, द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डॉली, ठीक इन्हीं की है। अति यथार्थवाद के दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सिद्धांत किसके हैं? सिगमंड फ्रायड, लेकन या फिर कार्ल जंग या डी नंबर, क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड का है, ठीक है याद रखना है। आगे, प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नेस्ट का जन्म कौन से देश में होता है? जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड। 34 पे आइए, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए जर्मनी इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, एक जर्मन चित्रकार, मूर्तिकार, ग्राफिक कलाकार और कवि मैक्स अर्नेस्ट किस कलावाद के अग्रणी हैं बताइए। ये दोनों सही, दादावाद से भी अति यथार्थवाद, दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे,
फ्रोतास टेक्निक एक ऐसी टेक्निक जो वस्तुओं के पेंसिल रबरिंग का उपयोग करती है। इसका आविष्कार किसने किया है? सिगमंड फ्रायड, मैक्स अर्नेस्ट, जॉन मीरो, सल्वाडोर डॉली। क्या होगा 36 नंबर पे? शाबाश, ऑप्शन बी मैक्स अर्नेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे ये बताइए, ग्रेटार्ज पद्धति पूछी गई है, नीचे ग्रेटार्ज पद्धति पूछी गई है 37 नंबर पे, इसके लिए कौन जाना जाता है? फटाफट से करेंगे आंसर एक साथ, सभी लोग करेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, आंसर की बात करेंगे, मैक्स अर्नेस्ट इसका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अति यथार्थवाद कलाकार का नाम बताएं जो पक्षियों के प्रति आशक्त था और उसके पास अल्टर ईगो नामक, बहुत पूछा जाता है ये, याद रखना। क्या होगा? ऑप्शन ए मैक्स अर्नेस्ट की ही बात हो रही है। आगे, एक दार्शनिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ जिसने कहा कि दुनिया में सच्चाई खोजने का तरीका तार्किक विचारों की अपेक्षा अवचेतन मन और सपनों के माध्यम से था। क्या है इसका राइट आंसर? ये है आपका अति यथार्थवाद, ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, जाने माने कलाकार सल्वाडोर डॉली ये किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? तो बार बार पढ़ते आ रहे हैं, अति यथार्थवाद हो जाएगा। आगे, सल्वाडोर डॉली का जन्म कौन से देश में होता है? इंग्लैंड में, इटली में, स्पेन में, जर्मन में, बताइए कहाँ होता है? तो सभी जानते हैं ऑप्शन डी जर्मनी में होता है। आगे, एक ऐसे कलाकार का नाम बताना है जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अवांतगार्डे कला में सबसे महत्वपूर्ण, अति यथार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति थे, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 42 नंबर सी सल्वाडोर डॉली इसका एकदम सही हो जाएगा, शाबाश। आगे बढ़ेंगे, विख्यात कलाकार आंद्रे मेशन किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित था, ये बताइए। एक सेकेंड, क्या हो गया भाई? सल्वाडोर डॉली का जन्म कहाँ? अरे इस एक सेकेंड, हमने जर्मनी बता दिया, स्पेन होगा, ठीक है स्पेन हो जाएगा। हाँ चलो, ये हो गया, किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित है? तो अति यथार्थवाद, सभी लोगों ने देख लिया, ठीक। आगे चलते हैं, लिटिल मशीन पूछा जा रहा है, लिटिल मशीन कंस्ट्रक्टेड बाई मिनीमैक्स डाडामैक्स इन पर्सन, ये मिक्स मीडिया कला है, ये बताइए। माथा हैंग करने लगा, बस 50 के बाद हम थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक दे देते हैं आपको, ठीक है? हाँ, डी हो जाएगा, मैक्स अर्नेस्ट इसका हो जाएगा। ये कथन और कारण का है, तो ये देख लीजिए, ये जो है ना, ये क्वेश्चन को पीजीटी वाले देख ले ध्यान से, पीजीटी और DSSB वाले, और जो अगर UKLT वाले हैं तो वो भी देख ले। दृष्टि की सतता इस बात की व्याख्या करती है कि तीव्र गति से सिलसिलेवार ढंग से दिखाई जाने वाली छवियों को मानव की आंख चलचित्र के रूप में ग्रहण करेगी, तो ये है बिल्कुल सही बात है। दृष्टि की सतता फ्लिप बुक्स में प्रयुक्त एक दृष्टि विग्रह है, ये भी सही है, मतलब दोनों ही चीजें इसमें एकदम करेक्ट दी गई हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, मैक्स अर्नेस्ट का संबंध किससे मिलता है, बताइए? अति यथार्थवाद से, भविष्यवाद से, उत्तर आधुनिकतावाद से, दादावाद से, मैक्स अर्नेस्ट का संबंध किससे मिलता है? अति यथार्थवाद से मिलता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, ब्लू सर्कस किसने चित्रित किया है? हेनरी मातिस, मार्क, बताइए ब्लू सर्कस किसने चित्रित किया है? आंसर क्या होगा? मार्क शागाल इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, नींद पेंटिंग किसकी है, बताओ नींद किसकी पेंटिंग है? 48 नंबर पे ऑप्शन बी सल्वाडोर डॉली हो जाएगा, बताओ। नवंबर 2019 न्यूयॉर्क में क्रिस्टीज के इम्प्रेशनिस्ट और मॉडर्न आर्ट सेल में बेल्जियम के अति यथार्थवादी चित्रकार रेने मैगराइट की 1956 ईस्वी की पेंटिंग है ला सीज सेप्टेम्बर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने कीमत में बिकती है? ला सीज सेप्टेम्बर कितने में बिकती है, ये पूछा जा रहा है, तो याद रखना है 19.6 मिलियन डॉलर में बिक्री होती है। म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में सुरक्षित द सॉन्ग ऑफ लव, इंपॉर्टेंट है, पेंटिंग किसकी है, बताओ। फिर इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक रखते हैं, ठीक है, ये है जो चिरिको की है, इसको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, तो नेक्स्ट चैप्टर जो है ना आपका 5 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं, और अभी आपका कितना है, 20 बज के, मतलब
अभी आपका टाइम हुआ है 8:12, ठीक है। तो 8:17 पे आप लोग उपस्थित हो जाना, 5 मिनट का गैप है इसके बीच में, ठीक। चलो पानी वानी पी लो, घूम फिर लो थोड़ा सा, ठीक है। आते हैं अभी, चलो। चलिए आ जाइए, आपका समय होता है समाप्त।
8:17 हो चुके हैं। आ जाइए सभी लोग अब। शाबाश, आ जाओ 51 पे आ जाओ, सॉरी पहले नंबर पे। चलो, एक्शन पेंटिंग के लिए कौन चित्रकार प्रसिद्ध है? पॉल क्ली, मार्क रोथको, जैक्सन पोलाक, विक्टर वासरली। आ जाओ जल्दी से। अरे खाना पीना खाने नहीं गए थे भाई, पानी पीने गए थे हम। आ जाओ जल्दी से। एक्शन पेंटिंग के लिए कौन है? तो जैसा नाम है वैसा काम है। कौन है? जैक्सन पोलाक हो जाएगा। एक्शन पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है, मतलब जन्मी है? घनवाद या अति यथार्थवाद, अभिव्यंजनावाद, अमूर्त अभिव्यंजनावाद। दूसरा नंबर पे आ जाओ। तो किससे? अमूर्त अभिव्यंजनावाद इसका राइट हो जाएगा। एक्शन पेंटिंग का जन्म कहाँ होता है? आज खत्म करना है इसको, ठीक है, इसलिए थोड़ा स्पीड में। फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड। तीसरे नंबर पे आ जाइए। बी हो जाएगा, अमेरिका इसका सही हो जाएगा। आगे, जैक्सन पोलाक की प्रसिद्ध कृति है कौन सी है? रिफ्लेक्शन ऑफ द ब्रिगेडियर, आइस इन अ हीट, ऑटम री या फिर ब्लू पॉल्स। चौथे पे आइए। जैक्सन पोलाक की जो कृति है वो है ब्लू पोल्स। क्या है? ऑप्शन डी, ब्लू पोल्स ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैक्सन पोलाक किस देश के रहने वाले कलाकार थे? इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस। जैक्सन पोलाक कहाँ से हैं? तो ये अमेरिका से हैं। कहाँ से हैं? ये अमेरिका से हैं। कलर फील्ड पेंटिंग का मुख्य चित्रकार कौन है? पिकासो, मार्क रोथको, देगा, मुंक। कलर फील्ड पेंटिंग के पूछा है, आंसर होगा मार्क रोथको, ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। डच अमेरिकन चित्रकार विलियम डी कूनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, इनका जन्म होता है अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, नीदरलैंड। विलियम डी कूनिंग का जन्म कहाँ होता है? नीदरलैंड में होता है। कहाँ होता है? नीदरलैंड में होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आठवां, अमेरिकन कला के प्रणेता कौन थे? हॉफमैन, जैक्सन पोलाक, विक्टर वासरली, पिकासो। ऑप्शन बी जैक्सन पोलाक। आधुनिक अमेरिकन कला का एक नया नमूना कौन सा है? मिनिमल आर्ट, स्वार्टिनल आर्ट, फॉक आर्ट, क्लासिकल आर्ट। ऑप्शन ए मिनिमल आर्ट हो जाएगा। समसामयिक कला क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है मनोवर्धक कला, अमेरिकन कला, यथार्थवाद ने, लोक कला ने। और देखिए, क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, एक बार दिल से लाइक कर दीजिए फटाफट से आप लोग। बहुत बढ़िया, अमेरिकन कला ने ऑप्शन बी हो जाएगा। पूछा जा रहा है, यह एक अत्यधिक लागत वाली अमूर्तन सांकेतिक चित्रकारी है जिसमें चित्रकारी के दौरान एक चित्र फलक पर गतिपूर्वक छिड़काव करके, फैलाकर या बूंद बूंद करके टपका कर आवेशपूर्ण, मतलब आवेशित किया जाता है, जिसे खास कार्य स्थल के सामने की ओर रखा जाता है। इस शैली को पहचाना है, विशेषता बताई गई है, कौन सी शैली की बात हो रही है? ये है आपकी एक्शन पेंटिंग, ठीक है, गतिपूर्वक बोल दिया, इतने से समझ जाइए। आगे, एक्शन पेंटिंग के सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक की पहचान करना है। मार्शल दुनशा है, हाँ दिल से लाइक कर दिया मैम, बहुत बढ़िया। बताइए, एक्शन पेंटिंग के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार कौन है? तो सभी जानते हैं, जैक्सन पोलाक, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1940 और 50 के दशक के अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार कौन है, ये बताइए। हाँ, आपकी क्लास रोज देखते हैं, आज पहली बार लाइव देख रहे हैं, थैंक यू भैया शशांक जी। चलिए आ जाइए 13 पे आइए। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, जैक्सन पोलाक, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे 14 नंबर पे आइए। एक्शन पेंटिंग शीर्षक का प्रयोग पहली बार 1952 में अमेरिकी आलोचकों के द्वारा किया जाता है, उस आलोचक का नाम बताइए। रोजनबर्ग, हर्बर्ट रीड,
लिपर्ड या रोजनबर्ग, क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत बढ़िया आंसर सभी का आ रहा है, बहुत अच्छा, रोजन हेरोल्ड रोजनबर्ग होगा, ठीक है, रॉबर्ट नहीं होगा, हेरोल्ड होगा। आगे थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए तो देखने लगेगा। कलर फील्ड पेंटर कौन है बताइए, 15 नंबर पे, फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है। हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा मार्क, रोथ को इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ऑप कला का जो स्टार्टिंग है वो कहाँ पर किसने किया था, किसने किया था ऑप कला की स्टार्टिंग? कोकोश्का, विक्टर वासरली, पिसारो, वुलार्ड, बताइए ऑप कला की स्टार्टिंग किसने की? विक्टर वासरली, ऑप्शन बी हो जाएगा। विक्टर वासरली का जन्म होता कहाँ है? हंगरी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, बताइए। थक गए हैं क्या? मारेंगे, हाँ भगने लगे अभी से दूरियां बनाने लगे क्यों? ऑप्शन ए होगा हंगरी में, ठीक है। विक्टर वासरली का जन्म कहाँ होता है? हंगरी में होता है। दूरियां नहीं बनानी है भाई, पास आना है ना, दूर नहीं जाना है। चलो तीसरे नंबर पे आ जाओ, बताओ क्या होगा? हेलन फ्रैंक थेलर और एलिस वर्थ केली, इनका संबंध जो है ना नेत्रीय कला के अतिरिक्त और कौन सी कला से मिलता है? नेत्रीय कला, रंग क्षेत्रीय कला, मनोविस्तारक कला, पॉप कला, बताइए क्या होगा? तीन नंबर पे आइए, रंग क्षेत्रीय कला हो जाएगा। पानी पीने के लिए ही टाइम दिया था, ठीक है, अब 5 मिनट में कोई शादी नहीं कर सकता है, ठीक है, इसलिए 5 मिनट दिया था पानी पीने के लिए। हाँ, सिलेक्शन लेकर जाएंगे, बहुत बढ़िया फौजिया। सजावटी कला, घनवादी कला, नेत्रीय कला, समकालीन कला, ऑप आर्ट की बात हो रही है, बताइए क्या होगा? नेत्रीय कला, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे यथार्थवाद, प्राक रैफिलवाद, प्रभाववाद, पॉप कला, ये सब किस प्रकार के विषयों का अधिक चित्रण था ये बताइए। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, पांचवें का आंसर आ गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, समकालीन जनजीवन इसका एकदम सही हो जाएगा। हाँ देखिए आज जो है ना, ये शशांक जी ने बोला है, नई शिक्षक भर्ती को 27,000 से 97,000 अगर देखना है तो सभी साथी प्रयागराज की धरती पर आए, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए सभी को जाना चाहिए क्योंकि सभी के हक की बात है, किसी एक के हक की बात नहीं है ये, अगर आएगी तो सभी के लिए आएगी और नहीं आएगी तो किसी के लिए नहीं आएगी, इसलिए सभी को जाना चाहिए और सभी को थोड़ा थोड़ा अपना योगदान जरूर देना चाहिए, वहां पर जाना चाहिए, उपस्थित हो जाओ, यही सबसे बड़ा योगदान है, बाकी पैसा रुपया कोई वो नहीं है, बस आपको जाना है वहां उपस्थित हो जाइए। होता है ना कि जहां पर एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर पाता है, वहां अगर दो लोग हो जाते हैं ना तो बहुत कुछ हो जाता है उधर पे, ठीक है, बस यही कहना है। अगर कोई जा सकता है, इलाहाबाद का ही है बच्चा तो वो तो जरूर जाए भाई, ठीक है, इलाहाबाद वालों जनसंख्या तो बढ़ानी है आप ही लोगों को, और बाकी जो बाहर से जा सकते हैं वो लोग भी जाइएगा, ठीक है। आज हुआ था धरना प्रदर्शन, और शशांक जी बताइए कि आज के बाद कल भी रहना है ये चीजें या फिर आज से ही खत्म हो गया है सब कुछ? डी हो जाएगा, समकालीन जनजीवन, ठीक है। चलिए इसको बताइए, पॉप चित्रकला पर किसका पूर्ण अधिकार है? रूसो, रुओल्ट, सागाल, एंडी वारहोल। हाँ दूर वाले नहीं भी जा सकते हैं ना तो प्रयागराज वाले तो जरूर जाएं क्योंकि वो तो उनका होम ही है, ठीक। हाँ चलिए छठवें नंबर पे आ जाइए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, एंडी वारहोल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉप कला का उदय होता है अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, 7 नंबर पे आइए। आज बहुत भीड़ थी, आज बहुत अच्छा था वहां पर काफी, और बातचीत भी हुई है आज जो है ना, अध्यक्ष मैम से बातचीत भी हुई है। अनवरत धरना चलना है, हाँ अनवरत धरना प्रदर्शन हो रहा है तो आप लोग जा सकते हैं, अभी भी चल रहा है, ठीक है। अध्यक्ष मैम से बातचीत भी हुई है, उन्होंने कहा है कि हम एक हफ्ते के अंदर, उन्होंने पता है एक हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया है, एक हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया है कि हम जो है ना शासन स्तर पर भेजेंगे, हम शासन स्तर पर बात रखेंगे आप लोगों की, अगर वहां से मंजूरी मिलती है तो हम आपकी भर्ती जल्द से पूर्ण करवाएंगे, उन्होंने ये दिया है। अब देखिए क्या होता है, ऑप्शन बी होगा इंग्लैंड। आगे इंग्लैंड में किस पॉप कलाकार की प्रथम कृति प्रदर्शित होती है? हैमिल्टन, पीटर ब्लैक, फ्लिप किटार्स, बताइए क्या होगा?
आठ नंबर पे आ जाइए। ऑप्शन ए होगा हैमिल्टन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में पॉप कला किस वर्ष में आरंभ होती है ये बताना है। थोड़ा स्पीड पकड़ लेते हैं अब। ठीक है, 1960 हो जाएगा। पॉप कला किस वर्ष स्टार्टिंग? 1960 में। इनमें से कौन अमेरिकी पॉप कलाकार नहीं है बोला है? नहीं पर ध्यान देना है। अच्छा, लिखित नहीं दिया है उन्होंने, बोला ही बस है। अच्छा चलिए, 10 नंबर पे क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा, जॉटिल्सन इसका एक सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। पूछा गया है चाइल्ड्स ब्लू वॉल ये किस पॉप कलाकार की कृति है। चाइल्ड्स ब्लू वॉल किस पॉप कलाकार की कृति है ये बताना है 11वें नंबर पे। ऑप्शन ए जिम डायन की है। किसकी है? ऑप्शन ए जिम डायन की है। आगे चेल्सी गर्ल्स, पूछा गया है चेल्सी गर्ल्स जो है नामक जो चलचित्र है किस पॉप कलाकार ने बनाया है इसको बताइए 12वें नंबर पे। और ये बनाया है एंडी वारहोल ने बनाया है। चेल्सी गर्ल्स किसने बनाया है? एंडी वारहोल ने बनाया है। आगे भविष्यवादी कला आंदोलन कौन से देश से प्रारंभ होता है बताइए। भविष्यवादी कला आंदोलन ये स्टार्ट होता है इटली से। कहाँ से? इटली से होता है। ठीक है चलो आगे। इटली की आधुनिक कला का आरंभ होता है किससे? दादावाद, भविष्यवाद, किरणवाद, प्रभाववाद से। ऑप्शन बी भविष्यवाद से। भविष्यवाद के प्रणेता कौन है? कालोकारा, फिलिप्पो तोमासो, सेवेनरी या फिर अर्नस्ट। कौन है? फिलिप्पो तोमासो। आगे भविष्यवाद का प्रमुख सिद्धांत कौन है? रंगवा प्रकाश, गति, समयावच्छेद, ध्वनि कला। 16 पे आ जाइए। ऑप्शन सी समयावच्छेद। भविष्यवादी चित्रकार का नाम बताना है। कालोकारा, मार्शल दुनशा, पिकाविया, पिकासो। बताइए। आंसर होगा कालोकारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा कला आंदोलन गति के चित्रण को लेकर चलता है बताइए? दादावाद, प्रभाववाद, भविष्यवाद, किरणवाद। और परसों क्लास बिल्कुल नहीं भूलना है, परसों की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि परसों जो है ना वो धमाका होने वाला है। किसका? मुगल कला का। हम अभी इस क्लास के जस्ट बाद वो लगा देंगे शेड्यूल, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी भविष्यवाद हो जाएगा। सर्वोच्चवाद का उदय कौन से देश में होता है? भारत, चीन, मॉस्को, फ्रांस। बताइए 19 नंबर पे क्या है राइट आंसर? हाँ, बिल्कुल शशांक जी, परेशान मत होइए। हमने सुबह भी बच्चों को बोला था, ग्रुप में डाल दिया था, हमने बोल दिया था सभी को। ठीक है, आप परेशान मत होइए, हम इस चीज के लिए बिल्कुल सपोर्ट में है। हाँ, सी हो जाएगा, मास्को इसका हो जाएगा। आगे सुरीलवाद क्या है बताओ? कला आंदोलन है, सांस्कृतिक आंदोलन है, राजनीतिक उत्थान है, कवियों का सम्मेलन है। बीस नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, कला आंदोलन है। अभी थोड़ा सा और बचा है, बस पढ़ लीजिए। नवलचीलवाद के संस्थापक कौन थे? पियट मोंद्रियां, वाल्मीयर या फिर गोंगर। क्या होगा इसका राइट आंसर? एक तो अजीब सा नाम है इनके, मेन जो नाम है ना वो आपको समझ में आ जाएगा। पियट मोंद्रियां इसका सही हो जाएगा, नवलचीलवाद के संस्थापक। आगे भविष्यवाद जिसका उदय इटली में होता है इसके प्रणेता चित्रकार कौन है ये बताइए 22 नंबर पे। ये हो जाएगा फिलिप्पो तोमासो मारिनेती, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे ओडिलन रिडोन ये किस कला आंदोलन से संबंधित है? घनवाद, प्रतीकवाद, भविष्यवाद, यथार्थवाद। 23 पे आ जाओ। प्रतीकवाद से, ओडिलन रिडोन। आगे उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवाद से संबंधित है। दिलोन, मोंद्रिया, आंद्रे, फ्लोरियनो। किरणवाद से संबंधित कौन है? आंसर होगा लोरियानो, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे वर्ष 1993 ईस्वी में वार्षिक टर्नर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला तथा पॉप कलाकार कौन है ये बताना है 25 नंबर पे। रेचल व्हाइटरेड हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, रिचर्ड व्हाइटरेड। आगे आर्ट एंड इल्यूजन लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने बताओ? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ऑप्शन ए हो जाएगा ईएच ग्रोम्बिच ने, आर्ट एंड इल्यूजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, यूरोपीय चित्रकार जो नारी आकृतियों को सदैव लंबी गर्दन से दिखाता था, किसकी बात हो रही है ये बताइए। लंबी गर्दन कौन दिखाता था? तो याद रखना है मोदिग्लियानी जो है ना, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका मुगल कला हो जाएगा। मुगल कला की थ्योरी पढ़ाई जाएगी आपको, तो आप लोगों को सभी को जुड़ना है परसों वाली क्लास में। परसों आपका मुगल कला होगी, ठीक। आगे, इस्तहार कला हेतु प्रथम संग्रहालय कौन सा है ये बताइए। ये है पोलैंड के पास में, याद रखना है, ठीक है। आगे, कंप्यूटर हार्डवेयर के पास उसके मुख्य अवयव के रूप में चार्ज्ड कपल डिवाइस क्या होगा। थोड़ी सा बचा है, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा और 20-30 पेज बचे हैं, कर लीजिए। 29 पे आइए, क्या होगा? डी हो जाएगा, स्कैनर, ठीक है। थोड़ा स्पीड में बढ़ा लेते हैं, आप लोग फिर बाद में रोक रोक कर देख लेना। प्रयाग झा चिल्लर जाने जाते हैं किस लिए? थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए आप लोग भी। प्रयाग झा चिल्लर किसके लिए? तो छापा चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी लोग जानते हैं। आगे, पूर्णतया प्रथम एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन सी है बताओ जल्दी से। पूर्णतया प्रथम एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन सी है? ये है आपकी टॉय स्टोरी है। कौन सी है? टॉय स्टोरी है, ठीक है। एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार कौन है? तैयब मेहता, मैलोल, रेनॉल्ड्स, पिकाबिया। एज ऑफ इनोसेंस के कौन है? तो ये है रेनॉल्ड्स। कौन है? रेनॉल्ड्स हैं, आपको याद रखना है। आगे, प्रसिद्ध चित्र है मेट्स ऑफ ऑनर, इसके चित्रकार कौन है? वेल्स पेज, एडगर डेगा, मातिस, इनमें से कोई नहीं बताइए। आप लोग खाना बना लीजिए, लिखने मतलब टाइप मत करिए। जिसको खाना बनाना है ना, आप खाना बनाते जाओ, सुनते जाओ, ठीक है। हाँ, वेल्स पेज हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। सच में बहुत मेहनती लोग हैं अपनी क्लास में, कि खाना भी बनाना पड़ता है। मतलब लेडीजों को तो बहुत समस्या हो जाती है इस टाइम पे, लेकिन फिर भी वो लोग बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें सिलेक्शन लेना है, और उनके जीवन में जितनी समस्याएं होती है ना, वो जानती हैं, इसी वजह से। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए आंसर की बात करते हैं। कांट एमैनुअल, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, ला फिगारो नामक जो पत्रिका है, इसका प्रकाशन हुआ था कहाँ पर? 35 नंबर पे आइए। हाँ, पेरिस में हुआ था, ला फिगारो पत्रिका का प्रकाशन पेरिस में। आगे, भविष्यवादी कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई बताओ जल्दी से। 36 नंबर, ऑप्शन ए पेरिस में हुई थी। आगे, सर्वोच्चवाद के प्रणेता कौन है? ऑप्शन बी मालेविच। आगे चलते हैं। हाँ सही बात है, बच्चे सो जाएंगे, बिल्कुल बना लीजिए आप लोग, ठीक है। चलो, भंवरवादी चित्रकारों की पहली प्रदर्शनी कब आयोजित होती है ये बताइए। और ये होती है 1915 में होती है। कब होती है? 1915 में होती है। आगे पूछा गया है लेस पेंट्स क्यूबिज्म, लीजिए लेस पेंट्स क्यूबिस्ट, मेडिटेशन एस्थेटिक्स, क्यूबिस्ट पेंटर्स, एलिस्ट्रेटिक मेडिटेशन। इन ये जो है ना, 1905 से 1912 ईस्वी के मध्य में लिखी गई है पुस्तक, किसके द्वारा लिखी गई है ये बताना है आपको। ये पूरी पुस्तक है बताइए, इसका अंग्रेजी में अनुवाद है ये, द क्यूबिस्ट पेंटर्स एलिस्ट्रेटिक मेडिटेशन। ये लिखी गई है अपोलोनियर के द्वारा। किसके द्वारा? अपोलोनियर के द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है। 1909 को म्यूनिख में एक नव कलाकार मंडल की स्थापना किसने की थी ये बताइए। 40 नंबर पे, कार्डेंस्की, एमिल नॉल्डे, ब्रॉक, पिसारो ने। तो ये की थी कार्डेंस्की ने। किसने? ऑप्शन ए कार्डेंस्की ने की थी, ये आपको याद रखना है। तुच्छ वस्तुओं को बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुच्छ वस्तुओं को खड़ा, वास्तविक और बड़ा, वास्तविक छवि से बड़ा दिखाना, ये सब किसमें दिखाया गया है ये बताओ। 41 नंबर पे, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी होगा, युद्धोपरांत अमेरिकन पॉप कलाकार, ठीक है। आगे चलते हैं। मोंटाज, मूलतः किस निदेशक की चलचित्र की आशु रचना है ये बताना है। मैम हम खाना बनाते हैं, क्लास देख रहे हैं। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। अपनी क्लास में ज्यादातर जो है ना लेडीज हैं, और उनको बहुत समस्या होती है खाना पीना में, इसलिए आप लोग आराम से बनाते जाओ, सुनते जाओ, ठीक है। नहीं सुन पा रहे हैं ना, तो बाद में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
ऑप्शन ए होगा वॉल्ट डिज्नी, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे डिप्ट्रिच और ट्रिप्ट्रिच चित्र किसका है, इंपॉर्टेंट है बताओ जल्दी से, 43 पे क्या है, फ्रांसिस बेकन इसका हो जाएगा। ठीक है, थोड़े स्पीड में चलेंगे। द मड बाथ इंपॉर्टेंट है, किसकी पेंटिंग है, जैक्सन पोलाक, बॉम्बर्ग, हॉलमैन हंट, सतीश गुजराल। 44 पे आइए, ये है बॉम्बर्ग की है, डेविड बॉम्बर्ग की है। आगे बढ़ेंगे। एंडी वारहोल ललित कला माध्यमों का महान चित्रकार था जिसने जनसंचार माध्यमों का मनचाहे ढंग से उपयोग किया था, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसने अपनी कलाओं में अपने समय के लोकप्रिय व्यक्तियों की आकृतियों का, नहीं ऐसा नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है, ये हो जाएगा इसका। आगे फिलिप्पो तोमासो मारिनेती कौन है बताओ, ये है भविष्यवाद का इन्होंने घोषणा पत्र निर्माता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिलिप्पो तोमासो मारिनेती। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर आपका, चलिए इसका आंसर दीजिए, बताइए इसका क्या होगा, सभी लोग करेंगे फर्स्ट का राइट आंसर, फिर इसके बाद ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, बस अब थोड़ी से ही बचे हैं, आपको खत्म हो जाएगा जल्दी। हाँ, तो एज ऑफ ब्रॉन्ज पूछा है, एक आदमकद पुरुष कांस्य प्रतिमा है किसकी है, तो ये रोडिन की है, किसकी है, ऑप्शन सी हो जाएगा, रोडिन की है। ठीक है, आगे अगस्त रोडिन की प्रतिमा है एज ऑफ ब्रॉन्ज, ये कहाँ सुरक्षित है बताओ, जर्मनी में है, रोडिन संग्रहालय पेरिस में है, लंदन में है, कहाँ है, ऑप्शन ए अल्टे नेशनल गैलरी बर्लिन, जर्मनी में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे द वॉकिंग मैन इसके मूर्तिकार कौन है, अगस्त रोडिन है, एडगर डेगा है, रामवी सुतार, हेनरी मूर, बताइए क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अगस्त रोडिन, द वॉकिंग मैन के हो जाएंगे। आगे द बर्गर्स ऑफ कैलिस के मूर्तिकार कौन है, ब्रांज मूर्ति है ये, ठीक है, कौन है, आंसर होगा अगस्त रोडिन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे फ्रांसीसी मूर्तिकार अगस्त रोडिन के द्वारा 1882 में निर्मित प्रसिद्ध संगमरमर की मूर्ति है, क्या नाम है उसका, द किस, इंपॉर्टेंट है ये, किस कहाँ पर रखी है, तो ये पेरिस में इसको रखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, पेरिस म्यूसी रोडियम में। फिर पूछा जा रहा है आपसे, आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलचित्र मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया था, ये करने वाले हैं अलेक्जेंडर कॉल्डर, किसने, अलेक्जेंडर कॉल्डर ने किया था। आगे अमेरिकी मूर्तिकार हैं अलेक्जेंडर कॉल्डर, ये किस कला आंदोलन से संबंध है इनका, तो कैनेटिक कला, सरिलिज्म, अब्स्ट्रैक्ट आर्ट, इन सभी से इनका देखने को मिल जाएगा, तीनों का ही। ठीक है, चलो आगे कॉल्डर्स ला ग्रांडे विटेज इंपॉर्टेंट है, इसके मूर्तिकार कौन है, हेनरी मूर, अलेक्जेंडर कॉल्डर, ब्रांकुसी, कोई नहीं, आंसर होगा अलेक्जेंडर कॉल्डर ने ही इसको बनाया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ट्रॉयस पूछा गया है, ट्रॉयस डिस्क्यूश मूर्ति को सेंट हेलेन द्वीप पार्क, जीन ट्रेप्यू, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में एक्सपो 67 के लिए किसने डिजाइन किया था, बताइए 9 नंबर पे, रामवी सुतार, अनीश कपूर, अलेक्जेंडर कॉल्डर, हेनरी मूर, बताइए क्या होगा 9 नंबर पे, अलेक्जेंडर कॉल्डर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है रेड मोबाइल, पूछा गया है रेड मोबाइल, ये पूछा गया है किसने बनाया है इसको, केवल इतना याद रखना है आपको, रेड मोबाइल को किसने बनाया है, तो ये अलेक्जेंडर कॉल्डर ने बनाया है इसको, एक केवल इतना याद रखना, और रखा कहाँ गया है, कनाडा में। ठीक, केवल इतना याद करो आप। आगे अलेक्जेंडर कॉल्डर किस रूप में विख्यात है बताओ जल्दी से, तो ये मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, मूर्तिकारी के लिए। किस मूर्तिकार को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, ये किया गया है अगस्त रोडिन को किया गया है। फिर से कथन कारण दिया है, तो ये देखना है आपको, रोंदा प्रतीकवादी के साथ साथ प्रभाववादी भी थे, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है, याद रखना है, क्योंकि रोंदा ने अपनी कृतियों में उत्तर 19वीं शताब्दी के दो प्रमुख प्रवृत्तियों का संयोजन किया है, क्या ये बात सही है, ये भी सही है, मतलब दोनों ही चीजें एकदम सही दी हुई है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, द रिवर प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा है, इसके मूर्तिकार कौन है, द रिवर की बात हो रही है, आंसर हो जाएगा एरिस्टाइड मैलोल, इसका एकदम सही हो जाएगा, द रिवर के मूर्तिकार। आगे 15 नंबर पे आइए,
निम्नलिखित में से किस फ्रांसीसी मूर्तिकार ने सुदृढ़ मांसपेशियों वाली गतिशील महिला आकृति का शिल्प बनाया है? बताओ। आंसर सही होगा सी, मैलोल ने बनाया है। ठीक है, आगे एयर कास्ट पूछा गया है, मूर्ति है किसने बनाई है, एयर कास्ट किसने बनाई है, ये भी मैलोल ने ही बनाई है। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना बिल्कुल से लास्ट तक, जो जो टिकेगा वही सीट पर बैठ पाएगा। ठीक, याद रखना है, 16 डी हो जाएगा। ब्रिटिश मूर्तिकार हेनरी मूर का जो प्रभाव है वो किससे है बताओ। 17 नंबर पे ऑप्शन ए माया तथा एडजक मूर्तिकला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। रोंदा के द्वारा निर्मित है शिल्प गेट्स ऑफ हेल, इस ये किससे प्रभावित है ये बताना है 18 नंबर पे, और ये है लॉरेंजो घिबर्टी से इनका प्रभाव मिलता है देखने को। संरचनावादी मूर्तिकारों का समूह कौन सा है बताइए, तो ये है मालेविच, गैबो, रॉडचेंको, इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है इसमें बताइए क्या होगा। हेनरी मूर ने अपने शिल्प को खुले स्थान में रखने को वरीयता दी ताकि सभी उसे देख सकें, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका शिल्प केवल सजावटी वस्तु ना बनकर रह जाए बल्कि लोगों को प्रेरित करे, ये भी सही है, मतलब दोनों ही कोटेशन एकदम अपने आप में करेक्ट बैठते हैं। आगे फिर से कोटेशन वाला क्वेश्चन आ गया, अनेक आधुनिक कलाकारों ने आदिम मूर्तिकला शैली में अपने काष्ठ शिल्पों को निर्मित किया है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके विचार में यह जीवन के गूढ़तम रहस्यों को परम गंभीरता के साथ उद्घटित करती है, ये भी सही है, मतलब दोनों ही सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, फिर से क्वेश्चन ये वाला आ गया, सौंदर्य के प्रति बताइए क्या है इसका राइट आंसर। सौंदर्य के प्रति हेनरी मूर का लक्ष्य केवल इसका प्रसन्न करने वाला पहलू नहीं है, ये सही है। आदिम मूर्तिकला की भांति हेनरी मूर के कार्य में एक आंतरिक दबी हुई शक्ति है, ये भी चीज बिल्कुल एकदम सही दी गई है, मतलब दोनों ही चीजें इसमें भी सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हेनरी मूर की एक सबसे बड़ी प्रदर्शनी दिल्ली में लगती है, कब लगती है बताओ। 1975, 87, 90, 92, 23 नंबर का क्या है राइट आंसर, और ये है 1987 में लगती है। ठीक है, चलो मोनूमेंट ऑफ द थर्ड इंटरनेशनल जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में स्थापित है किसके द्वारा निर्मित है ये बताना है, और ये निर्मित है रूसी वास्तुकार व्लादिमीर टाटलिन के द्वारा बनाया गया है। आगे यूनिक फॉर्म्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन स्पेस ये ब्रॉन्ज मूर्ति है, इसके रचनाकार कौन है। यूनिक फॉर्म्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन स्पेस बताइए, बोचियोनी हो जाएगा, उम्बेतो बोचियोनी, ऑप्शन ए इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे दार्शनिक पूछा गया है, ब्रॉन्ज में बनी मूर्ति है किसकी है बताइए, 26 नंबर ये बनाई गई है दार्शनिक रोडिन के द्वारा, इसके द्वारा रोडिन के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, बारबरा हेपबर्थ कौन थी, ब्रिटिश मूर्तिकार, अमेरिकी मूर्तिकार, स्वीडिश मूर्तिकार, फ्रांसीसी मूर्तिकार, बारबरा हेपवर्थ कौन है बताइए। सोचिए जब वेस्टर्न आर्ट में हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं, जब इंडियन आर्ट चलेगा तब कैसे पढ़ाएंगे एमसीक्यूज में, ठीक है, तो जितना भी पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ते जाओ। चलो 28 नंबर पे पूछा गया है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, हम यही बता देते हैं सीधा। दिया गया है मॉन्यूमेंट टू बालजाक, अगस्त रोंदा का मूर्ति शिल्प है जो फ्रांसीसी उपन्यासकार बालजाक की स्मृति में निर्मित है, बिल्कुल सही है। रोंदा के अनुसार इस कृति में लेखक की भौतिक रूपरेखा के बजाय लेखक के व्यक्तित्व विशिष्टता पर ध्यान दिया गया है, एकदम सही कोटेशन दिया है ये। आलोचना के पश्चात समाज द्वारा इस मॉडल को स्वीकार कर लिया गया और यह मॉडल ब्रांज में निर्मित है, इसे ब्रिले वॉर्ड द मोरपनास पर स्थापित कर दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही, दोनों ही चीजें एकदम सही है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलो 29 पे आते हैं, इसमें पूछा गया है रोंदा की कृतियों को पहचानना है, रोंदा की कृतियों को पहचानना है ये बताओ, रोंदा ने क्या क्या बनाया है ये बताना है। तो देखिए द एज ऑफ ब्रॉन्ज सभी जानते हैं, ये इसी की है, ठीक है, फिर है द थिंकर, ये भी इसी की है,
द क्लाउड गेट, ये गलत है। द बर्गर्स ऑफ कैलेस, ये भी इसी की है। मतलब 1, 2, 4 ये दिया है, इसी की कृतियां हैं, बाकी क्लाउड गेट जो है ये गलत हो जाएगा। क्या क्लाउड गेट किसकी है बताओ जल्दी से, ठीक है। चलो 30 नंबर पे आते हैं, मूर्तिकारों के नाम बताना है। अच्छा क्रम बताना है, इनमें से मूर्तिकार जो है इनका क्रम बताना है। तो देखो ब्रूना लेसी है ये, पहले आएगा ब्रूना लेसी, ब्रूना लेसी मतलब 2 आएगा, फिर आएगा मातिस आएगा, ठीक, फिर आएगा 1 नंबर पे बर्नेनी, और फिर जो बचा कौन, 1, 4, 2, 1, 2, 4, 1, 3 बचा, ये हांसन बचा, तीसरे नंबर पे हांसन हो जाएगा। तो पहले 2, 4, 1, 3 हो जाएगा। 2, 4, 1, 3 किसमें दिया है, कहीं नहीं दिया है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, 31 नंबर पे डुआन हांसन पूछा गया है, कौन है ये बताइए। हाँ अनिश कपूर की है क्लाउड गेट, बहुत बढ़िया। चलिए इसको बताइए, डुआन हांसन कौन है ये बताइए 31 नंबर पे। ये अमेरिकी मूर्तिकार है, कौन है, अमेरिकी मूर्तिकार है। आगे चलो, खत्म हो जाता है आपका, हो गई खत्म आपकी स्वाहा। एक बार जल्दी से बिल्कुल से ठंडे दिल से, ठंडक मिली दिल को, ठंडे दिल से बोल दीजिए एक बार प्यार से स्वाहा, स्वाहा बोल दीजिए। खत्म हो गया आपका वेस्टर्न आर्ट, तो WA आज आप खत्म कर चुके हैं। इन्हीं तीनों वीडियो को मिलाकर हम एक बड़ी सी वीडियो बना देंगे, ठीक। अब आपको क्या करना है, केवल इतनी, ये जो 3 वीडियो हमने बनाई है ना, इन तीनों को बनाकर एक बना देंगे, ठीक। मुश्किल से 4 से 5 घंटे की होगी, ठीक। तो आप लोगों को उस वीडियो को जरूर देख लेना है, ठीक है, वो हमेशा के लिए आपको बनी रहेगी फिर, ठीक। और हाँ एक चीज और, ये जो 3 वीडियो हमने करवाई है, इनको अच्छे से बार बार रिवीजन करते रहना, इन्हीं को बार बार पढ़ते रहना, इतने से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। बोलो सिया रामचंद्र की जय। हाँ जय बोलो मैम। अभी कितना क्वेश्चन है, हो गए क्वेश्चन ब्लू, हो गए मैम। एग्जाम कब तक होगा, अब एग्जाम जब होगा होता रहेगा, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको डेली देखिए, हम आपको बता देते हैं अच्छे से, शाम को 7 से 9 आपको जुड़ना है। एक सेकेंड रुकिएगा, हम एक जादू दिखाते हैं, जाइएगा नहीं, एक जादू दिखाते हैं आपको, रुकिए। लीजिए, हो गया जादू आपके सामने, और देखिए आपकी ये जो महामैराथन है मुगल कला की, ये आपकी आएगी परसों। ये कब आएगी, ये क्लास आने वाली है परसों, तो आप लोगों को इस मुगल कला की क्लास में जरूर जुड़ना है, क्योंकि यहाँ पर आपको छोटी से छोटी चीज भी क्लियर होगी, और बड़ी से बड़ी चीज तो हम कर ही देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को परसों वाली क्लास में बिल्कुल नहीं भूलना है। वेस्टर्न आर्ट खत्म हो गया, हाँ स्वाहा बिल्कुल, जैसे मैम को याद करते हैं वैसे ही मैम की क्लास भी याद होगी। हाँ ठीक, तो परसों के दिन सभी को जुड़ना है इस क्लास में, और ये महामैराथन आपकी हमेशा के लिए होगी। और ये जो है ना मुगल कला का विकास, इसमें हम केवल देखो हम आपको बताएं, ये जो क्लास है ना 7 से 9 2 घंटे की होगी, और 2 घंटे में आपका पूरा मुगल कला आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, थ्योरी होगी,
क्या होगा, पूरा थ्योरी वाला सेशन होगा, तो सभी लोगों को थ्योरी वाले सेशन पे जुड़ना जरूर है। नाइस क्लास मैम, बहुत अच्छी क्लास आपकी क्लास, बिकॉज मैंने 5 ईयर बाद स्टडी स्टार्ट की है। अच्छा, रिवीजन बराबर करते रहेंगे तो, हाँ रिवीजन करते रहेंगे तो याद बना रहेगा। बिल्कुल मैम, मेरी माँ को 2 साल हो गए इस दुनिया में नहीं रही। चलिए, परेशान मत हुआ करिए, ठीक है, मम्मी पापा हैं वो तो याद आते ही रहते हैं, और बाकी अब नहीं है तो संभालिए खुद को, ठीक है कंचन जी। चलिए मैम, भी हमारी मुगल काल से हैं पोस्टर में, हाँ मुगल काल में पोस्टर में देखो जोधा अकबर भी बैठे हुए हैं, और ये पीछे कौन है बताओ जल्दी से, पीछे कौन है, बाबर है, अकबर है, जहांगीर है, कौन है, हुमायूं है, कौन है बताओ जल्दी से, स्पीड कम करें। अच्छा स्पीड कम करें, हम स्पीड कम किए ना तो ये कल तक पहुंच जाती क्लास, अगर हम बहुत धीमे धीमे चलते। मैम क्या ये टीजीटी के लिए, अरे पगलू ऊपर देखो स्पष्ट शब्दों में लिखा है टीजीटी पीजीटी एलटी डीटीएसबी बीपीएससी आरपीएससी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास, ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी करवा दीजिएगा। हाँ क्वेश्चंस भी करवा देंगे, अगर टाइम मिलता है कल परसों तो हम क्वेश्चंस भी करवा देंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, ठीक है। अच्छा ये गुलबदन बेगम दिख रही हैं पगलू। चलिए चलिए तो फिर क्लास ऑफ कर देते हैं अब, चलो।